आज दिनांक 1 जून 2017 को मैं अजय अपने अंतर्मन से यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ओहो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। मतलब दोनों ने ध्यान रखा, तब हमें इतना बताता कि IIT एकदम बहुत चमकती दुनिया है, एकदम चमकता सितारा है और हमें उसकी तरफ जाना है। उसके बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता था। लंच ले लिया और टिफिन आ गया, टिफिन ले लिया, डिनर आ गया, डिनर ले लिया और फिर पढ़ने बैठ गए, सो लिए पढ़ लिए सो लिए। मैंने प्रॉपर लिखित में नोटिस दिया, मुझे हाईकोर्ट में उसके लिए लोग गए, हमने उसका जवाब लगाया, फिर मैंने चारों तरफ उसके लोहे की बैरिकेटिंग लगाई, उस पर तिरंगे की रिफ्लेक्टर लगाए, चैन लगाई, फिर मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ लगाऊंगा जो हटा ना पाएगी, इसलिए मैंने तिरंगा लगाया, तिरंगे को किसी की हिम्मत नहीं हटा जाए। ये बताते थे ना कि आपने ये बोला ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो ये वाइफ उस टाइम पे तो आउटफिट डिसाइड करना है एंड ऑल। उस वक्त मैं बता रहा था ना, मैं जो बटन खोलना है इंटरव्यू रूम में अंदर करते हुए कोट का बटन खोलने की 8-10 बार प्रैक्टिस की गई थी। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, और आज हमारे साथ अजय गौतम, ही इज करंटली सर्विंग एज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इन इटावा। स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो एक शिकायत है, काफ़ी दौड़ाया आपने इस इंटरव्यू के लिए। 3 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे थे, पहले आप कानपुर में पोस्टेड थे, देन इसी बीच आपका एक ट्रांसफर और एक शादी भी हो चुकी है। नहीं, दौड़ाने की बात ऐसी है जैसे मेरे दोहा है कि जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है तो मैं ना, प्रेम गली अति साकरी जिसमें दोनों न समाए। तो कभी वक्त की नजाकत हो जाती है, कभी हमें समय रहता है आपको नहीं रहता, बट अंततः अच्छा हुआ ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। हम आज साथ हैं, बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। सबसे पहले शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों, तो कैसा लग रहा है शादी करके? शादी करके ओहो शादी करना अपने आप में एक बहुत ही महसूस करने वाली फीलिंग है, उसे बताया नहीं जा सकता, बट ये एक खूबसूरत शुरुआत है एक रिश्ते की। मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग आउट अदर, दूसरे के लिए काम करना, अपने जीवन में भी दूसरे के सपनों को, उनकी ख्वाहिशों को इंक्लूड करना, समाहित करना, तो ये शुरुआत है। और बाकी मैं भी सीख रहा हूँ, अभी मैं भी बिगनर हूँ, मेरे केवल 4 महीने हुए, तो हर दिन हम सीखते हैं, कई बार इशूज़ भी आते हैं, उनसे ओवरकम करते हैं, तो बट ओवरऑल इट्स अ गुड जर्नी। हाँ, आप डॉक्टर हैं। तो अरेंज मैरिज या लव मैरिज? मतलब सॉर्ट ऑफ अरेंज मैरिज से शुरुआत हुई थी, बट इवेंचुअली बात करने लगे, हमारी बात शुरू होने में, मतलब शादी के जब रिश्ता आया था तो अरेंज मैरिज ही था, बट बात मतलब फाइनल होने में काफ़ी लंबा समय था, तो इवेंचुअली एक दूसरे को जानने लगे, मिलने लगे, तो इट टर्नड आउट टू बी लाइक लव मैरिज, बट इट स्टार्टेड ऑफ कोर्स विद अरेंज मैरिज। मतलब सिविल सर्वेंट्स नॉर्मली या तो किसी सिविल सर्वेंट से शादी करते हैं या फिर डॉक्टर से। तो घर वालों ने ध्यान रखा है आपने? ओहो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। मतलब दोनों ने ध्यान रखा, मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि मतलब मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सिविल सर्वेंट वाला एक्सपोजर नहीं देखा है, तो क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स रहती हैं, वो उनको नहीं पता थे, तो मैंने उनको कन्विंस किया। जैसे हमारी जॉब, हम मतलब सर्विस इतनी डिमांडिंग होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक जगह सेटल नहीं हो पाते हैं, हर 2-3 साल कभी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए घर वालों को बताया, तो इट वॉज देन ए म्यूचुअल डिसीजन, घर वालों को भी चमका कि हाँ ये लड़का बात तो सही कह रहा है, तो फिर इस तरह से आई टर्न्ड आउट टू बी डॉक्टर। और फिर ऐसा नहीं था कि हमने सर्च किया, बट इक्वेशन ऐसी बनती चली गई ना, रिश्ते तो डेस्टिनी ही बनती है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि मतलब जो भी कर्मचारी वगैरह है, तो यहाँ पे यू आर द बॉस, घर पे हु इज द बॉस बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या, तो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो गया अब थोड़ा। हाँ, आते इंटरव्यू पे। तो उत्तर प्रदेश आपका होम के डेरे, राइट? जो यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट IIT, तो IIT कैसे फ्रेम में आया? आप बचपन से इतने चापू थे? चापू तो मैं नहीं था यार, हम गांव देहात में थे, मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, सही बताऊँ तो मैंने बहुत अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि यार हम बहुत आगे कुछ अच्छा करेंगे, वो ऐसा मतलब हमारा एक्सपोजर ही नहीं था, वो गाँव में वही अपने मतलब इनफैक्ट मेरे गाँव में, मेरे गाँव सिद्धनगर एक गाँव है जो कि कासगंज जिले में है, UP का ही जिला है, तो एरिया इतना डेवलप नहीं है, वहाँ न केवल संसाधनों की कमी है बल्कि वहाँ सपनों की भी कमी है, लोग बहुत एस्पिरेशनल नहीं है, तो मेरे गांव के बराबर में स्कूल था, हम प्राइमरी 8वीं तक वहीं पढ़े, फिर घर वालों को चमका कि यार यहाँ तो कुछ है नहीं, इसको कहीं बाहर भेज देते हैं, हॉस्टल हो जाएगा, तो थोड़ा ये घर से बाहर निकला भी इसी, और मैं बहुत शाई था बचपन में और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, तो मुझे शहर में मतलब जाना देखना बड़ा ही इंटिमिडेटिंग लगता था, और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, जो गाँव में जब गाँव में कोई व्यक्ति पला बड़ा होता है वो शहर में पहली बार जाता है, उसे लगता है कि हम थोड़ा कमतर हैं,
तो शुरुआत वहाँ से हुई। फिर मैं हॉस्टल रहा 4 साल में, मथुरा में पढ़ा, तो वहाँ पर मेरा एक क्लासमेट था, उसके भैया NIT में थे। तो जब मैं 12th में था तो जब सबका एकदम ये हो गया था कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हम उस दोहराए पे खड़े थे, हमें पता नहीं था मैं क्या करना है, तो सारे ऑप्शन थे। किसी ने कहा कि यार IIT कोई एक ऐसी जगह होती है, एक बार वहाँ सिलेक्शन हो जाए फिर तो लाइफ एकदम सेट है, है फिर तो कुछ करना ही नहीं लाइफ में। तो घर वालों को मैंने बताया कि यार IIT करके एक जगह होती है, तो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ क्या होता है ये नहीं पता, पर एक बार एडमिशन हो जाए तो लाइफ सेट है, एकदम घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा और नौकरी अच्छी लगेगी। तो घर वालों को भी फिर थोड़ा रिलाइज हुआ, तब तक उन्होंने ITI सुना था। तो मेरे इनफैक्ट जब मैं गांव में था तो मेरे 4 साल लोगों को ये बताने में भी थे कि IIT और ITI अलग अलग होता है ना। लोगों को ये लगता था कि यार ये IIT इतने दूर कानपुर भेजा है भाई, ITI ही करा लेते ना, फलां फलां कॉलेज में ITI करा लेते। तो वहाँ से फिर IIT पिक्चर में आया, फिर कोटा पिक्चर में आया, फिर उस तरह से पूरी जर्नी। जर्नी का कोटा गया? हाँ मैं कोटा गया था। ओके, ये तो काफ़ी अलग जर्नी हो गई, कोटा के बारे में मुझे नहीं पता था। फिर जब IIT फ्रेम में आया तो फिर घर वालों ने ये ढूंढा, चर्चा की, फिर मैंने भी यहाँ वहाँ पूछा, तो फिर पता चला कि राजस्थान में एक जगह कोटा है, वहाँ पर IIT की तैयारी होती है, वो हब है, एकदम मंडी है। ये बात है सन 2012 की, जब मैं 12th मैंने पास आउट 2012 में किया था, तो मुझे लगा कि यार फिर इसके बारे में पता करते हैं। तो मुझे याद है पहली बार तब मैं रिजर्वेशन से सफ़र किया था, मथुरा से जन शताब्दी एक्सप्रेस जाती है, उससे पहले हम लोग ऐसे डग्गा मारी करते थे, तो लगा कि यार ये रिजर्वेशन में उसकी भी बहुत बड़ा वो था, मैं सोचता था साले इतनी बड़ी ट्रेन में हमें कोई कह देगा कि इस फलाइन डब्बे में 32 नंबर सीट है, मैं ढूंढूंगा कैसे, मैं तो पागल हो जाऊंगा ढूंढने में। तो फिर वो फिर तब वो पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकला था टेक्निकली। फिर कोटा गए, फिर कोटा में कोचिंग हमने की, 12th का मतलब 12th ड्रॉप आउट था, 12th तक तो बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं, फिर कोचिंग की, फिर ईश्वर की कृपा है फिर IIT में हो गया अव्वल, उसमें भी IIT कानपुर में हो गया। सभी मजदूर आपके डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग मजदूर, हम देश बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, काय का सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा है। तो कोटा में कैसा सीन था, मतलब कोटा की जर्नी में थोड़ा सा बताइए, मतलब वहाँ पे क्या सीन था? यार कोटा की जर्नी बहुत ही अच्छी थी, मतलब इनफैक्ट मैं तो कोचिंग एनवायरनमेंट दो शहरों का देखा है, कोटा का और दिल्ली का। कोटा जनरली बच्चों को डेलिकेटली हैंडल करता है, वहाँ के जो PG हैं तो उनके जो ऑनर्स हैं तो वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो आपको बेटा बच्चा इस तरह से वहाँ। तब जब मैं पढ़ता था वहाँ पर, जब मैं था तब तो इतना महंगा भी नहीं था, तो अच्छी लाइफ थी, भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा मतलब कोचिंग में थी, उसके अलावा पूरा एरिया शहर साफ़ सुथरा है, अच्छा है, और खाने का पेटीज वहाँ चलती थी उस समय, पेटीज और उसको कौन सी नमकीन थी उससे भर के वो चलती थी, तो सब लोग उसी पे लगे रहते थे, सुबह सुबह जाओ पूरे एकदम भीड़ लगी रहती थी पेटीज की दुकान के सामने। तो वैसा था, लाइफ बहुत ही सीमित थी। तब मेरे पास एक वैसा वाला फ़ोन था, फीचर वाला, उसमें FM आती थी। तो मुझे याद है मैं अच्छा सा तब नीलेश मिश्रा का शो शुरू हुआ था, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, कहानियाँ सुनाता हूँ, उसकी टैगलाइन ये थी कि मेरा नाम नीलेश मिश्रा है, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो मुझे तब से वही एक्सपोजर था, तब मैं जैसे अपनी सुबह से शाम क्लास की, रात में आके आधा घंटा अपने बढ़िया टहलते हुए रेडियो सुना और सो गए। तो बड़ी लिमिटेड सा था, लेकिन वहाँ अच्छा ये था कि हर दिन आपको टास्क मिलते थे, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मतलब एक टारगेट को पाने के लिए सतत रूप से उस पर प्रयास करने की जो धारणा है, जो मेरा नेचर भी कोटा से ही डेवलप हुआ है IIT की तैयारी से, तो वही फिर सिविल सर्विस तैयारी में भी काम आया है। तो ऐसी थी कोटा की जर्नी, इट वॉज गुड। पर ऐसे काफ़ी लोग तो मतलब IIT को सिविल सर्विस का रूट भी देखते हैं कि पहले IIT जाओ फिर सिविल सर्विस में जाओ, और इवन आप तो सॉरी पर इवन UP के लोग भी, मतलब राजस्थान से मैं राजस्थान से हूँ, पर कोटा में ज़्यादा लोग UP एंड BR वाले लोग आते थे। कोटा में ज़्यादा लोग UP, यार देखो तब IIT सिविल सर्विस रूट है या नहीं ये तो हमें नहीं पता था, तब हमें इतना पता था कि IIT एकदम बहुत चमकती दुनिया है, एकदम चमकता सितारा है, और हमें उसकी तरफ जाना है, उसके बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता था, इतना एक्सपोजर हमारा था नहीं। तब हमारा लगता था कि यार, मुझे याद है मेरे पिताजी ने बड़ा मुश्किल से यहाँ वहाँ से रुपये इकट्ठे करके, और बहुत फीस बहुत ज़्यादा थी, तो वो इकट्ठा करके दिया था, तो मेरे सर में तलवार लटकती रहती थी, यार इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें करना है। तो लास्ट 12th ड्रॉप आउट था, मैं लास्ट अटैम्प्ट था, तो अब थोड़ा सीरियस हो रहा है, बट द मैटर इज सीरियस। उस समय फिर ये था कि यार ऐसे करके इसमें निकल जाए, एक बार IIT पहुँच जाए, उसके बाद देखने क्या करना है। पर ऐसे काफ़ी मतलब काफ़ी गाँव के लोग भी वहाँ पर आते, तो ऐसे डिप्रेशन मतलब काफ़ी बच्चे रहते हैं कि करना है करना है करना है, तो आप इसे डील कैसे करते थे? यार मतलब ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है,
मैं इससे डील कैसे करता था। वहाँ पर क्या होता था, DPQ करके कुछ मिलता था, एक बुकलेट मिलती थी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, अब मैं उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया हूँ। तो मेरा टारगेट रहता था कि मुझे आज 10 सवाल मिले, 10 सवाल ये करने हैं और जितना मेरा टास्क है उतना मुझे करना है। मैंने शुरुआत बहुत नीचे के बैच से की थी, मतलब शायद 20 में बैच होती है वहाँ जितना आपका परफॉर्मेंस, तो 20 में बैच से शुरुआत करके मैं दूसरे बैच तक पहुँच गया था लगभग 6-7 महीने में। तो शुरुआत ऐसी थी, दोस्त कुछ वहाँ पर बहुत अच्छे बन गए थे उनके साथ, पर ये था कि नहीं होगा तो तब देखा जाएगा तो क्या करना है, बट घर वालों को फ्रेंकली बता देते थे कि सिलेक्शन मतलब अच्छी बात है, प्रयास कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा मतलब सब किसी का होता नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। तो घर वालों को पहले से बता के रखा था कि भाई ये भी एक सच्चाई है कि इतने बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंट लोगों का होता है। तो इस मामले में अगर घर वालों को आप पहले से बता के रखते हैं, खुद भी अगर आप इस कंसेप्ट में रहते हैं कि नहीं नहीं हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी हो सकता ये भी एक संभावना है, तो जी जान का प्रश्न नहीं बनाते हैं। अगर लगता है कि चलो ठीक है, हमें आज हमारा टास्क है, ये हमें करना है, एक साल बाद क्या होगा उसकी कौन जाने, कौन सोचे, तो इतना लंबा नहीं सोचते, एक वीक में, एक दिन के, एक महीने के टारगेट सोचते हैं। तो उससे फिर इवेंचुअली जो कहावत है ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, अगर आप ऐसे देखोगे तो लगेगा कितना बड़ा महल कैसे बना, लेकिन आप रोज़ अगर सोचोगे मुझे एक ईंट रखनी है, फिर एक ईंट रखनी है, तो आप रखोगे तो एक दिन में एक ईंट, पर आप पाओगे कि एक साल बाद अचानक से आप देखो पूरा महल बन गया है। तो इट्स अबाउट ब्रेकिंग द टारगेट इन स्मॉल स्मॉल पार्ट एंड फोकसिंग ऑन दैट। ओके, तो कमिंग बैक टू IIT, चमकती धमकती दुनिया एंड सितारा, तो कैसा था सितारा, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वैसा ही कुछ था या रियलिटी कुछ और थी? नहीं यार, मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अगर कहीं से आया है तो IIT कानपुर से ही आया है ऐसे। तो मतलब वहाँ तक मैं एक्सपोजर में लिमिटेड था, मैं कोचिंग में गया, कोचिंग से मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं IIT कानपुर पहुँचा तो वहाँ एक अलग ही मतलब अलग ही चल रहा है, असंसदी शब्द हो जाएगा अगर मैं यहाँ कुछ ऐसा बोलूँगा तो बस वहाँ बहुत ही एकदम खुलेपन की दुनिया है, कोई चल रहा है। तो शुरू में तो मुझे कल्चरल शॉक लगा है, नहीं अरे यार ऐसे भी होता है क्या, मतलब ऐसे सोचो कि जाते ही वहाँ पर ये सब चल रहा था, गालियाँ, हाँ खोलो खोलो चल रहा था कि तू खोल के नहीं, क्या खोलना है, खोलो मतलब खोलो इस IIT कानपुर का बहुत ग्रेट और महान ट्रेडिशन है, उसमें परिचय देने को खोलना कहते हैं। मुझे तो पता, थोड़ा ऑडियंस को बताइए परिचय कैसे दिया जाता है। परिचय यार उसमें नाम होता था, तो धारा प्रवाह हिंदी बोलनी पड़ती थी, है ना, तो चार पांच चीज़ें होती थी वहाँ पर। स्टूडेंट गाइड का कल्चर था, वो हमारा कॉलेज का बाप होता था, तो शुरू में ये भी बहुत अजीब लगता था कि यार कॉलेज का बाप है, तो हमसे एक साल सीनियर होते थे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, तो काफ़ी मतलब कल्चरल शॉक काफ़ी लगा, क्योंकि एक गाँव के लड़के को जिसका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, जिसको उतना ज़्यादा पहनने ओढ़ना भी शहर वाला नहीं है, तो उसको बड़ा सा बहुत चेंज लगा, बट इट वाज गुड। और शुरुआत फिर वैसे ही हुई, मुझे याद है मेरा MTH 101 कोर्स था, उसमें मेरे पहला क्विज हुआ, उसमें 0 मार्क्स आए थे दिमाग खराब हुआ मेरा क्या कर रहा हूँ मैं पक्का तो नहीं लगा, बाल बाल बचे, ऐसे चट से छू के वापस आ गए, लगा एकदम लग गया टाइप से। एक 5103 करके कोर्स था, और अभी तो वो सपने में आता है भाई। प्रोफेसर कौन था? 5103 का मुझे आदमी प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर का नाम लेना ठीक भी नहीं है तो मेरा 5103 MTH 101 ना, तो वहाँ अलग ही उसमें पढ़ाते हैं, L7 करके लेक्चर हॉल है, उसमें बढ़िया 500 की सेटिंग कैपेसिटी है, और कभी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये इमेजिन करो, वो इमेजिन करो, ये वेक्टर यहाँ से जा रहे हैं। और हम तो तब ऐसे थे कोचिंग में, जब एक एक चीज़ खोल के विस्तार से समझाने की दृष्टि से पढ़ाई जाती थी। बट एक साल तो एकेडमिया बहुत टफ था, मतलब ये आई मस्ट से दिस थिंग कि IIT कानपुर का एक साल वाला एकेडमिया बहुत टफ था। शुरू के मेरे पहले क्विज में 0 आए, किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, थोड़ा सेल्फ डाउट रहता था। और फिर मजे की बात ये कि तब मेहनत करते तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था पढ़ना कैसे है, लाइब्रेरी जाके बैठ के पूरे दिन पढ़ रहे हैं, क्विज में 0 नंबर आ रहे हैं, लगता है करें तो करें क्या, घर वालों को बता नहीं सकते। तो वैसा था वो 6 महीने तक करीब ऐसा हो रहा था। फिर बाद में क्या हुआ कि दोस्त बन गए ना, और कुछ हमारे जैसे भी थे, उनको भी वो भी क्लूलेस थे कि चल क्या रहे, तो लाइक माइंडेड हो गए, तो हमने फिर तरीका ईजाद किया, लाइब्रेरी जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, तो उन्होंने थोड़ा समझाया, तो बैसाखी हमें मिल गई, फिर लड़खड़ा के हम चलना शुरू कर दिए थे फर्स्ट ईयर में। आपको क्या था, हिंदी हमेशा से इतनी अच्छी थी? हिंदी मेरी मतलब यार मैं सही बताऊँ तो मैं बचपन से किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, तो बचपन में बहुत छोटी उम्र में मैं बाहर आ गया था हॉस्टल में, तो उसमें दोस्त बहुत ज़्यादा थे नहीं मेरे, तो बढ़िया आराम से मैं किताबें पढ़ता था, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये सब। तो उसका जो जर्मिनेट हो रहा था, अंदर से इकट्ठा हो रहा था, वो सब निकला कॉलेज में। कॉलेज में आपको मंच मिला, लोग मिले, वहाँ एक क्लब था हिंदी साहित्य सभा, वो मिली, तो फिर उसका जो जो अब तक भरा आ रहा था बचपन से लेके, वो निकला।
फिर लगा कि यार ठीक है, मतलब अगर एक एक कोई आर्ट जिसको आपको थोड़ा मेहनत करना, जो आपका इंटरेस्ट भी है, वो आपको पहचान दिलाती है, आपको सेटिस्फेक्शन दिलाती है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी दिलाती है, तो उसमें बुरा क्या है। तो धीरे धीरे उस स्किल पे वर्क भी किया गया, और पढ़ के और डिस्कशन करके और लोगों को सुन के देख के, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बेहतर हो गया। अच्छा, इसका तो ऐसा कि IIT कानपुर की जो फेमस कहावत है कि बाकी सारी IIT से कंपैरिजन में अपनी जो एवरेज CPI एक कम होती है, एक क्या होता है, वो दो कम होती है। पर IIT का जो सिस्टम है काफी दिमाग खोल देता है, रेशनल बना देता है काफी इंसान को। तो आप थोड़ा और बताओ उसके बारे में। यार मतलब एकेडमिक्स का तो यही हाल है, हमने बताया ना शुरू में तो बहुत टफ रहा, जीरो नंबर आए, पक्का लगने से भी बचा, पक्का मतलब एफ ग्रेड लगने से बचा, फिर लगा कि क्या करना है कैसे करना है, बट कहा गया जब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा पढ़ तो लेते ही हैं, तो पढ़ाई करते रहे करते रहे, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, फिर लगा कि चलो ठीक है कुछ नहीं आ रहा तो कॉपी तो भर ही देते हैं ना। तो इस तरह से हमने डेवलप किया। एक साल शुरू का टफ रहा क्योंकि उसमें चीज़ें मतलब अडेप्ट नहीं हुई थी, एकदम धारा प्रवाह इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं वो, रुक भी नहीं रही है, चल क्या रहा है भाई, कोई तो समझा दे, है ना, कि बात तो हो गई, मजा मतलब समझ में भी आ गया, लेकिन मतलब फिर बाद में सोच रहे हैं कि कहा क्या। तो वो डाइजेस्ट जो होता है ना, उसको प्रोसेस करना, वो तब तक नहीं आता था, फिर बाद में सीख लिए। आपकी प्रोफेशन तो कुछ और बोला है कि अजय नाम का एक लड़का था, काफ़ी किताबें चाट जाता था। फोर्थ ईयर में बोला होगा, फोर्थ ईयर में बोला होगा, थर्ड ईयर में बोला होगा, फर्स्ट ईयर में किसी ने नहीं बोला होगा। तो उनका कहना तो कुछ और ही था। तो मैं उनका मैं बता रहा हूँ ना कि वही फोर्थ ईयर में बोला जाओ, और दूसरी बात है वो फिर वैसा सब्जेक्ट नहीं होगा, MPH 101, 5 103, फिजिक्स और ये सब जो मतलब इमेजिन करने वाले थे उसमें अपना हाथ बहुत तंग था। इकोनॉमिक्स जो ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज हैं, सोशियोलॉजी, मतलब मुझे अच्छे से याद है अरुण कुमार शर्मा सर थे जो सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, अब वो शायद IIT कानपुर से कहीं और अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो उनका कोर्स मुझे बड़ा, उन्होंने पढ़ाया था इंट्रो टू सोशियोलॉजी, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपने घर मोहल्ले की बात चल रही है, स्त्री पुरुष के रिश्ते की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है, ट्राइब की बात चल रही है, फेस्टिवल की बात चल रही है, तो वो मुझे अच्छा लगा और वहीं से फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया और वहीं से फिर मेरी अकेडमियाँ धीरे धीरे सेकंड ईयर से इम्प्रूव होना शुरू हुई। कॉन्फिडेंस के साथ UPSC का ख्याल भी वहीं से आया, सोशियोलॉजी से? सोशियोलॉजी वहाँ से नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, फिर वहाँ भी यही हुआ कि सेकंड थर्ड ईयर तक लगा कि क्या करना है, वो तब इतना सोचा ही नहीं, फिर जब ये करते करते जब प्लेसमेंट सीजन आ गया तो मुझे याद है मैंने अपना पहला कोट तभी बनवाया था जब फोर्थ ईयर आ गया और लोगों के एकदम कोडिंग वोडिंग सीख रहे हैं, सबके रूम बंद रहते थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रेफरेंस लगवा रहा है, किसी का स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिस जो उसमें अप्रोच लगा रहे हैं कि भाई ये कंपनी को बुला लो, तो मुझे लगा ये सब लोग तो सोच रहे हैं मुझे क्या करना है, तो उसकी भी एक लंबी कहानी है फिर कैसे सिविल सर्विसेज पे आए, बट वो फोर्थ ईयर की बात है। तो अभी फोर्थ ईयर में डिसाइड किया था ये सब? हाँ, थर्ड ईयर का मेरा फोर्थ ईयर पूरा जो था लास्ट का साल मेरा पूरा इसी में गया कि मुझे करना क्या है, क्या मतलब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो बड़ा उथल पुथल का साल रहा आखिरी साल। तो प्लेसमेंट नहीं बैठे सीधा दिल्ली? एक मैं कंपनी में बैठा था। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर? अरे मतलब बेकार, एक कंपनी में बैठा मैं तो उसमें मतलब इतना बॉन्ड मांग रहे थे वो और सैलरी बहुत कम थी। कितनी थी? पैकेज होगा 4-5, 5-6 लाख टाइप का, 5 लाख। हाँ, तो मतलब 12-44, 40 हज़ार करीब, 40-35, 40 हज़ार करीब, और 3-4 लाख का बॉन्ड मांग रहे थे, यानी हम पागल हो रखा होगा, मैं इतना बॉन्ड देके 40 हज़ार की सैलरी में जाऊँगा। तो फिर बाकी में फिर बाद में अच्छी कंपनी आई, लेकिन तब तक वो ऊहा पोहो की स्थिति थी, मतलब असमंजस की, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो फेज था। फिर जब धीरे धीरे ये सिंक इन हो गया कि सिविल सर्विसेज करना है, तो फिर तुम दिल्ली की यात्रा शुरू की। राजेंद्र नगर करोल बाग। ओके, तो सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विसेज, तो दिल्ली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो वहाँ कैसा माहौल था, मतलब जी से आप एक बार आप रिग्रेसिव मेहनत कर चुके थे कोटा में, फिर वापस उसी मोड में जाना, क्योंकि कॉलेज तो हमने बहुत धमा चौकड़ी की है, उसके बाद वापस पढ़ाई वाले मोड में जाना। इंजीनियरिंग के बारे में कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करते हैं ना, दुनिया जहाँ के जितने उठपटांग काम हैं, इतने सारे क्लब हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, हमारे यहाँ जो गैलेक्सी होता था बढ़िया सा एकदम इंटरपूल, मुझे आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माई कॉलेज, मतलब हमारे HEC होती थी तो हम लोग कहते थे कि हॉल 3 को हराओगे, तो कहते थे हाँ। अब हॉल कौन सा था? हॉल 5 था, शाम को 7 बजे पूरी HEC है, सारे मतलब वहाँ बच्चों फर्स्ट ईयर बच्चा बोलते हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो पता चल रहा है कि हॉल 3 को हराओगे, हाँ कैसे हराओगे, हाँ हॉल तुम्हारी माँ है, हॉल तुम्हारी माँ है, और ये सब हॉल जो HEC के प्रेसिडेंट होते थे, तो बड़ा मजा आता था। फिर वहीं से फिर पर्सनैलिटी खुलना भी शुरू हुई, जैसे मैं अगर अपना लाइफ को बांटूं तो मैं प्री IIT और पोस्ट IIT में क्लियर कट अपने में अंतर देखता हूं। मतलब प्री IIT तो
मैं बहुत ज़्यादा शाई, अंडर कॉन्फिडेंट, इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर। मुझे लगता था कि भाई सब लोग मुझसे अच्छे हैं पहनने ओढ़ने में। मैं बहुत पतला था जब मैं कॉलेज में गया, तो मेरे बॉडी को लेकर भी और मेरा अपीरेंस भी, कलर भी थोड़ा डल था। तो फिर मुझे थोड़ा वैसा लगता था कि यार नहीं, सब लोग अच्छे हैं, मैं थोड़ा वैसा हूँ, मुझे बोलना भी इतना नहीं आता है, पहनना ओढ़ना भी मेरा गाँव के सलीके का है। तो कॉलेज में जाके चेंज हुआ, कॉलेज में जाके फिर मैं कविता लिखना शुरू किया, और हमारा क्लब में मेंबर्स थे कई सारे, तो उन्होंने एनकरेजमेंट किया। फर्स्ट सेकंड ईयर तक आते आते मुझे याद है मेरे पास साइकिल थी, वैसी वाली थी, देसी वाली साइकिल होती है, देसी वाली साइकिल थी, सब लोग जीन्स और उसमें पहनते थे, मैं नॉर्मल गांव वाले अपने पैंट शर्ट में पूरी साइकिल में कभी किसी को बैठा के घूमते रहता था। मेरी वही पहचान हो गई थी, फिर मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हो गई। तो फिर मैं मंच पर भी प्रस्तुति अपनी देने लगा, थोड़ा कभी कविताएँ पढ़ते थे, अंतरागनी में भी कविताएँ पढ़ते थे, तो उससे लगा कि यार नहीं यार मैं भी कुछ बात है। फिर जो अब हम बात करते हैं, ये सवाल इसलिए उठा कि आप सिविल सर्विसेज वाला कैसे आया? नहीं ना जी, यहीं पे पहले टोकना चाहूँगा। सबसे पहले तो IIT ने आपको एक्सेप्टेंस दिया, राइट? दूसरा आपकी मुझे वो रील याद है जो आपकी वायरल हुई थी काफ़ी सारी। कौन सी हवेली ना मैंने तो मेरी पहली, मैं ऐसे कविता लिखता था। तो फिर एक मेरा दोस्त है मयंक पाठक, है ना, वो भी अभी सिविल सर्विस में IPS है। तो हम लोग क्लब में साथ साथ थे, तो मैंने एक दिन ऐसी कविता लिखी, साहेब लुधियानवी की कविता है कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी दिलो जहाँ, कुछ इस तरह कि दिलो जहाँ फिर कोई ख्वाब ताओ बुन ना सके। ये कविता थी, तो मैंने इस पर कविता लिखी कि आओ कि कोई नहीं, आओ रात की स्याह पन्ने पर सुबह का खत लिखे। तो मैंने वहाँ से इमेजरी ली थी, उसकी इंस्पिरेशन वही थी, आओ रात की स्याह पन्ने पर सुबह का खत लिखें, आओ मन की परतें खोलें, आओ ये करें, मतलब काफ़ी बड़ी थी। तो मैंने ऐसी फेसबुक पर पोस्ट कर दी, तो मुझे याद है कुछ अंतरागनी कुछ तो चल रहा था। अब मयंक पाठक मेरे पीछे पड़ गया, जा जा अच्छी लगी तुझे बोलना चाहिए। तो यार मैं स्टेज पर चला गया, ढकेल दिया। तो फिर अब वहाँ पता चला कि पूरा जो है कार्यक्रम समाप्ति की ओर था, तो मैंने कविता पढ़ दी, शायद वो सेकेंड ईयर की बात है। तो इस तरह से मेरा एक्सपोजर हुआ। फिर हमने एक, मुझे याद है हमने हिंदी साहित्य सभा ने कार्यक्रम कराया था, उसमें वो फिर मैंने कहा कि यार गज़ल भी थोड़ा देखते हैं। तो हमने पहली बार सारे वसीम बरेली, बशीर बद्री सबको सुना था, और कॉलेज में हम डिस्कशन भी करते थे, तो बड़ा प्रभावित थे इनसे कि यार क्या बात है, एकदम दो लाइन में ऐसी बात कहती, दिल को छू गई, हम भी कुछ ऐसा लिखा। सारी कविता एक तरफ और एक शेर एक तरफ एक तरह। तो उस समय फिर मुझे याद है कि हमने मतलब लेक्चर हॉल शायद 10 या 8 के आसपास है कोई, उसमें हमने हिंदी साहित्य सभा की तरफ से वो रखा था एक इवेंट, तो उसमें मैंने कविता लिखी थी। और कविता के बाद वो गज़ल पहली बार मैंने लिखी थी कि वो ऐसे थी शायद कि वो दीवारें जिनमें मोहब्बत की खिड़कियां ना हो, खुदा किसी को ऐसी हवेली ना मिले, न तुम हमको समझे ना हम तुमको समझे, न तुम हमको समझे ना हम तुमको समझे, हम जब भी मिले बहुत फासले से मिले। तो देखो जो राज की बात है बता दो अभी, अगर मशरूह हुए तो क्या अब तबक मिले या ना मिले। तो ये 3 शेर थे, ये रिकॉर्ड उस समय कर लिए। और फिर बहुत समय बाद मतलब हमारे कॉलेज के एक जूनियर है दीपक शंकर, उसने जोरवाल, उसने हिंदी पंक्तियाँ करके अपना कुछ बनाया था, उसमें डाल दिया। तो उसमें मेरे सर्विस में आने के बाद मैं जहाँ पोस्टेड था वहाँ भी 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये आप ही हो गया, मतलब पहचान में नहीं आ रहे। तो इस ऐसी कहानी है उन 3 पंक्तियों के पीछे, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और फील चली गई। समय का प्रभाव है, समय का प्रभाव। तो फिर जब इससे पहले बता रहा था मैं कैरियर सिलेक्शन का, जब मैं आखिरी साल में था तो मुझे लगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसे बहुत लोगों से सीनियर से पूछता था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार डुअल डिग्री कर लेते हैं, MTech होगी, साथ में स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 हर महीने, उसको बचा लेंगे फिर आराम से कोचिंग करेंगे, एक ऑप्शन ये था। फिर किसी ने बोला कि यार गेट करते हैं, फिर PSU में जॉब लगती है, बड़ा सा कैंपस होगा, तो शांत एनवायरमेंट है और राइट टाइम टू टाइम अपना काम करना है, बाकी नो टेंशन, और सैलरी पैकेज अच्छा खासा है, 18-20 लाख का है। यार ये भी ठीक है, और गेट तो डूएबल भी लगता है, तो गेट की तैयारी शुरू कर दी। फिर लगा कि यार इंजीनियरिंग सर्विसेज करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग सर्विसेज करेंगे, वहाँ के जो मतलब अच्छे प्रोफेसर जो एकदम कोर बाई हर्ट सिविल इंजीनियर, उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा बाहर कैसे जा रहा है, इसको सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी दुनिया की चीज़ें क्यों करनी है, तुम सिविल इंजीनियर बनोगे? मैंने कहा हाँ सर। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की शुरुआत कर दी, मुझे इनफैक्ट याद है मैंने ऑर्डर भी कर दिया था, 8-10 किताबें थी। तो फिर चलता रहा, फिर मैंने मतलब मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, मेरा विंगी था वो, अंकुर अग्रवाल जो था वो केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो वो मतलब हमारे साथ उठना बैठना काफ़ी, घूमना घामना था। तो मैं जब
विंग में डिस्कशन होता था तो मैं अलग ही रॉ में कहता था कि तुम्हें क्या पता गांव में क्या होता है, देश की समस्या ये है, हमको ये करना चाहिए ये, तो वो सब कहते थे कि यार तुम इतना ज़्यादा वो करते हो, तुम्हें तो सिविल सर्विसेज का कर। तो मुझे याद अंकुर अग्रवाल पहला था जिसने बोला था कि भाई तुझे सिविल सर्विसेज करना चाहिए और मुझे भरोसा है कि तू कर लेगा। उस समय मुझे हैरानी हुई थी, मैंने कहा यार अंकुर एक बात बता भाई, मुझसे सेमेस्टर तो पास नहीं होते, रो पीट के तो नंबर आते हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा यार, वहाँ तो एकदम बहुत कॉन्वेंट वाले जिनका शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया जो इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंट हैं, और हम ठहरे हिंदी भाषी और हिंदी लिटरेचर की रुचि रखने वाले छात्र, हमारा कैसे होगा। नहीं भाई यार मुझे अंदर से फील आ रही है तैयारी करनी चाहिए, तो अंकुर पहला व्यक्ति था जिसने कहा। तब फिर मेरे दिमाग में सोचा कि हाँ यार ये बात सही है उसकी, भाई मैं गाँव से हूँ, गाँव का सारा एक्सपोजर है मेरे पास, वहाँ से ट्रैवल करके मतलब अपने सफ़र करके मैं कोटा गया, वहाँ से IIT आया हूँ, और IIT मतलब IIT कानपुर इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रहता है, तो अगर मैं नहीं तो फिर कौन। फिर ये हुआ कि यार अल्टीमेटली लाइफ में करना तो सिविल सर्विसेज वाला ही है। दो तीन चीज़ें मुझे क्लियर थी, मुझे बहुत ही मंडेन टाइप का काम नहीं करना था, क्यूबिकल्स में बैठ के कंप्यूटर वाला, मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट वो भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो मेरा टेम्परामेंट उस तरह का नहीं था करने का, तो वो हट गया, प्राइवेट जॉब हट गई, फिर गेट ES और ये सब बचे, तो गेट लगाया, गेट से थोड़ी और मेहनत करके इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लेते हैं, ESC से लगा थोड़ी और मेहनत करके सिविल सर्विसेज कर लेते हैं, मुँह फिर के सिविल सर्विसेज ही करने हैं। तो फिर ये आते आते मुझे याद है कि जब हमारा मई में एंड सेमेस्टर एग्जाम हुआ, उसके बाद हम 5-6 दिन के लिए ऋषिकेश गए थे, एक इस्कॉन बालक ग्रुप के साथ हम लोग गए थे, बढ़िया वहाँ भजन कीर्तन किया था, उसके बाद तुरंत हम दिल्ली निकल गए थे। फिर घर में डिस्कशन हुई, मेरे भैया है बड़े भैया, ही इज़ ऑल्सो इन सर्विस, वो UP पुलिस में है, तो उन्होंने थोड़ा बाहर दुनिया देखी थी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी देखी थी, तो कहते थे यार जब जिले का कप्तान आता है भाई तुम लगता है पूरा जिला उसके सामने चल रहा है, तुम लोग सल्यूट कर रहे हैं, तुम इतने सही जगह से पढ़ रहे हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैं कहता था भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, बट फिर वही है कि जब लास्ट ईयर तक आते आते फिर लगा कि अल्टीमेटली कुछ तो करना ही है। उस समय मेरे दिमाग में एक थॉट था कि यार करना तो सिविल सर्विसेज ही है, रदर देन तैयारी ना करूँगा और 4 साल बाद खुद को मतलब ये वो हो, किसी सिविल सर्वेंट को देख के ये लगी यार मैं तैयारी करता तो मैं इसकी जगह होता। एक बार तैयारी करते हैं हो तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये मलाल नहीं रहेगा कि यार कभी तैयारी नहीं की, क्या पता हम हो जाती। तो क्या पता हम हो जाते वाले रिग्रेट से बचने के लिए आई स्टार्टेड कि आप करना ही, घर पे बात की, घर वालों ने थैंकफुली बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है तो मैं करना करो, फिर तब दिल्ली की यात्रा शुरू हुई। अच्छा अजय, यहाँ पहले से मैंने गूगल किया, अजय गौतम IAS, तो वहाँ पे कोई मीडिया रिपोर्ट होती है उसमें लिखा था कि अजय गौतम के माता पिता का बचपन से सपना था कि ये कहाँ से आया प्रेम। यार देखो माता पिता मतलब IAS IPS का तो घर वालों ने भी नहीं सोचा था, मतलब ये तो हमारे मतलब जैसे मैं कासगंज से हूँ, हमारा जो गांव है वो भी जिला हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर है और बहुत ही बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे मैं ज़्यादा बचपन में वहाँ बिजली भी नहीं थी, 2016 में बिजली आई, वहाँ सड़क भी पक्की वाली सड़क नहीं थी, ग्राम सड़क, कई सारी योजनाएँ आई उनसे सड़क आई, तो इतना कहाँ सोच होती है, उनको लगता है कि यार कोई भी सिपाही हो जाए, टीचर हो जाए, कहीं भी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर जब लेकिन तैयारी शुरू की, फिर घर वालों को लगता था कि हाँ यार जब उसने IIT निकाली और यहाँ कर लिया तो ये कर सकता है, तो फिर उनको फिर भरोसा होना शुरू हो गया। ओके, तो कमिंग बैक टू दिल्ली, एनवायरनमेंट ऑफ दिल्ली। हाँ, दिल्ली का एनवायरनमेंट। हाँ, तो यार वहाँ पर जब हम गए, दिल्ली का एनवायरनमेंट इज़ वेरी मतलब टफ ना, दिल्ली अच्छी जगह है अगर आपकी जेब में रुपया हो, है ना, आप क्योंकि वहाँ हर चीज़ बिकती है, हवा भी बिकती है, एयर प्योरीफायर आपको लेना पड़ता है, हवा भी प्रदूषित है वहाँ, है ना, और बहुत ही फास्ट मूविंग है दिल्ली में, हमेशा हलचल रहती है, कभी आपको सेंस ऑफ सेटलमेंट नहीं आएगा। तो मुझे याद है मेरा मित्र विकास मरम्मत, उसने रूम ले लिया था, है ना, तो मैं घर अपने घर पे कहा गया हमें भी दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली से बड़ा डर सा लगता था, इतना बड़ा शहर है, रूम कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई हमें रुपया छीन ना ले हमसे, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। तो मेरा चचेरा भाई है निर्दोष, तो मैं और निर्दोष आ गए, तो मुझे याद है हम एक दिन विकास के रूम में रुके थे, हमने कहा यार विकास जरा रूम वूम दिलवा दे, और उसका रूम एकदम बढ़िया अच्छा, तो हमने पूरा दिन रूम खोजा नहीं मिला, फिर हम विकास के रूम में रुक गए, फिर हमने अगले दिन पूरा दिन रूम खोजा फिर भी नहीं मिला, मुझे याद है पहला रूम था, मैंने कहा ये रहने लायक रूम है चल इसमें तो बिल्कुल नहीं रहूँगा मैं, तो वो रूम था सर 6,000 पर मंथ का, वो इतना इतना पतला जीना था उसका, तीसरी मंजिल पे था और बिल्कुल 8x8 बहुत ही छोटा होगा, बेड था, कुर्सी मेज थी, और वो इतना गुफा टाइप में था, उसमें सूरज की रोशनी नहीं आती थी, मैंने कहा इसमें नहीं रहूँगा, फिर हम जब सब जगह घूम के आए तो लास्ट में मुझे वही रूम लेना पड़ा, तो वहाँ से शुरुआत ही उसकी। और मेरे कॉलेज के बैचमेट था पुनीत,
वो सिविल इंजीनियरिंग मतलब हमारे कॉलेज का ही हमारा साथी था, तो उसको भी तैयारी करनी थी, तो मैं और पुनीत हम दोनों साथ साथ रहे थे एक साल शुरू में रहे। तो वो यार बड़ा ही ऐसे खाना भी लंच पैकेट आता था, कई बार ठंडा हो जाता था, कई बार नहीं मिलता था। फिर क्या था कि मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहले साल में मतलब इनिशियल चार मंथ में मेरी दो कोचिंग थी, एक जीएस की ऑप्शनल की। तो जीएस की शायद 11 से 1.5 होती थी और 2 से 4.5 इसकी होती थी, सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो बीच में आधे घंटे का मार्जिन मिलता था। तो उस समय ये था कि यार कहाँ खाना खाया जाए, तो वहाँ पर मुझे नाम भूल गया, लल्लन भुल्लन ऐसे करके था एक, तो आधा घंटे दूर था, तो मैं कोचिंग जैसे छूटती थी खट से आता था वहाँ पर। 2 पराठे 20 रुपये के मिलते थे, तो पॉकेट मनी भी लिमिटेड ही थी कि भाई इतने रुपये इतने में आपको सारा काम करना है। तो मैं कम से कम में 20 रुपये में 2 पराठे खाए। उस समय तो मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था, मतलब घर वाले कहते हैं बीमार रहता है क्या, तो मुझे याद है 4 महीने प्रॉपर मैंने वो 2 रुपये में 20 पराठे खा के, लल्लन भुल्लन छुट्टन ऐसे कोई नाम था उसका, बढ़िया उससे दोस्ती हो गई थी। वो 2 पराठे और सब्जी और अचार देता था, वो खाते थे, बाहर चले जाते थे। कई बार शाम को भी खाने का इशू रहता था और किराए का भी इशू रहता था कि भाई लोग उसी दिन मांगने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए समाज सेवा तो है नहीं, उनके लिए तो बिजनेस है, रेंट का बिजनेस दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। ऐसा था शुरुआत में, थोड़ा टफ था, बट टफ मुझे लगता है कि यार वो दैट वॉज ए पार्ट ऑफ जर्नी। मतलब मैं घर से निकला था, अपने गांव से तो सोच के निकला था कि ठीक है यार क्या प्रॉब्लम आएगी, खाने को मिल जाएगा क्या, तो हम कहीं भी लेंगे। मतलब मैं तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी सोया हुआ हूँ, जब हॉस्टल में जाता था तो कासगंज एक जंक्शन है, तो मथुरा में पड़ता था मैं, तो मथुरा से कासगंज आ गए पैसेंजर से। अब कासगंज गाड़ी आ गई रात के 10 बजे, अब कासगंज से गंजडुंड वारा एक जगह है, वहाँ से गाड़ी है सुबह 5 बजे, तो 10 से 5 क्या किया जाए। तो हम 4-5 बच्चे थे, 10 रुपये की पॉलीथिन आती है स्टेशन बाहर, 10 रुपये की पॉलीथिन ली बिछाई, बस बैग लगाया सो गए। तो वो बाई ट्रेनिंग ऐसा था कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, बट दिल्ली की इसने हर्ष जो वहाँ का वो था उसने फिर अल्टीमेटली मेंटली मजबूत भी बनाया। उसे लगता था कि परीक्षा चल रही है, जैसे ईश्वर परीक्षा लेता है ना, ऐसा लगता है परीक्षा चल रही है, इसमें एकदम डट के रहना है। और उस समय पता नहीं क्या जुनून था, बहुत शानदार जुनून था, हर समय ऐसे लगता था कि यार कुछ करना है कुछ करना है टाइप से। जुनून से तो मुझे आपकी वो चिट्ठी याद आती है बीच में प्रतिज्ञा मैं अजय गौतम आप ही पढ़ दो ना यार वो मुझे कहीं देखनी पड़ेगी वो ये कहाँ से जिक्र कर दिया भाई डेवन में जब मैंने रूम लिया था। अरे यार ये तो बहुत अच्छी मेमोरी मुझे याद दिलाई, मैं तो खुद भूल गया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे इतनी रिसर्च की है रिसर्च ही। मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी, मैंने कहा वाह, और उनसे कमेंट सेक्शन में भगत सिंह वाली वाइब ओपी नहीं उस मामला वो था कि यार अब तो कुछ करना है लाइफ में, आर्या पार वाला। तो उस समय मेरा पहला रूम मतलब पहला ही जो रूम था उसके जस्ट सामने दीवार पे मैंने लिख के मतलब मैंने खुद को ही वचन दिया था टाइप से, है ना, हाँ मिल गई मुझे इसमें फील आनी चाहिए भले उसमें गजल में नहीं आई। अरे इतनी अच्छी तो गजल पढ़ी यार मैंने, कैसी बातें कर रहे हैं, फील में नहीं पढ़ी आपने उस टाइम को, एक कोशिश करना चाहेंगे। अच्छा वो कोशिश करना चाहे तो वो तो यार लड़कपन की बचपन की बात हो गई। आज दिनांक 1 जून 2017 को मैं अजय अपने अंतर्मन से यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिस कार्य हेतु मैं अपने परिजनों से दूर यहाँ उपस्थित हूँ उस कार्य के प्रति हर पल हर क्षण कटिबद्ध रहूँगा। आज और अभी से मेरे जीवन का हर प्रयास हर पल अपने लक्ष्य को समर्पित रहेगा। कोई भी बाधा रुकावट समस्या मेरे संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति को डिगा नहीं पाएगी। जिस यात्रा का पहला कदम मैंने बढ़ाया है अब उसे अंजाम तक पहुँचाए बिना मुझे जीवन के सब सुख निरर्थक और महत्वहीन लगेंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो कठिन समय में मेरा साथ दे। और इसके नीचे स्वामी विवेकानंद जी का लाइन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये 1 जून 2017 को लिखा था मैंने, मतलब लिटरली होता ना आसमान से फूल बरस रहे बिजली अटक रही है। नहीं वो लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन था, सब कुछ स्टेक पे लगा था, बहुत कॉस्टली भी था दिल्ली का वहाँ रहना, हर मंथ किराया देना और किताबें प्लस कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा थी। तो ये और मैं खुद को ब्लेस्ड भी फील करता था कि मेरे पूरे गांव से आसपास के क्षेत्र से मुझे अवसर मिला है, मेरे घर वालों ने इतने रुपये दिए हैं तो मुझे उसको उसके साथ न्याय करना है, एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम आप पूरी जगत दुनिया से कट गए थे, मतलब आपके दोस्त वगैरह तो जॉब वगैरह कर रहे होंगे कोडिंग वोडिंग में 1-2 करोड़ माइक्रोसॉफ्ट गूगल, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगता था कि यार दोस्त वगैरह जॉब कर रहे हैं मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। यार देखो मतलब मैं उस समय भी ये सोचता था, मुझे लगता था कि यार जो मैंने डिसीजन लिया है वो किसी कहने से तो लिया नहीं है, मैंने खुद चुना है ये रास्ता, अब इस रास्ते में अच्छा हो तो मेरा, खराब हो तो मेरा, तो एटलीस्ट मुझे ऑन तो करना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया वहाँ दुनियादारी के चक्कर में पड़ता नहीं था। मुझे लगता है कि यार रात को भूखा रहूँगा मैं, तो ज़रा मुझे कोई खाना देने आने वाला है नहीं, मुझे तो खुद ही जाके यहाँ वहाँ से किसी हॉस्टल जाके खाना खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी, बट कभी कभी लगता था कि नहीं होगा टाइम से तो क्या होगा, तब सोचते थे कि यार वो तो ऑप्शन हमारे लिए हमेशा ही है, IIT कानपुर से पास आउट में कहीं ना कहीं तो बढ़िया जॉब मिल ही जाएगी, इतना होगा नहीं। लेकिन इसमें अभी पूरे मन और पूरे प्रयास से करना है, नहीं तो फिर ये रहेगा कि यार एक मौका मिला था उसको हमने ठीक से यूटिलाइज नहीं। तो अच्छा, टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस एंड विल पावर, जब आप दिल्ली में थे तो काफ़ी, एक तो इस एग्जाम को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि मतलब सिलेक्शन रेशो इतना कम है, तो कैसा था मतलब, और थोड़ा बताइए विल पावर के बारे में। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब लोगों को भी रहता था ये कि भाई होगा कि नहीं होगा, बट मैं सोचता था कि एक साल बाद क्या होगा, मैं अभी क्यों सोचूं। अभी मेरे सामने एक बुक है एक मुझे जिसको पढ़ना है, मैं अच्छे से पढ़ लूँगा तो शांति से अच्छे से सो जाऊँगा, कल का कल देखेंगे। तो मेरे दिमाग में हर दिन की कार्य योजना अगले दिन की बन जाती थी, इतना था मैं बहुत ज़्यादा वैसे नहीं सोचता था एक साल बाद क्या होगा, एग्ज़ाम देने जाएंगे कि नहीं। अब कोचिंग गए हैं, इतना पढ़ना है और आज का टास्क ये है, तो मतलब जिस दिन मेरा हो जाता था काम पूरा पढ़ने का, उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बढ़िया नींद आती थी, और जिस दिन मेरा टारगेट पूरा नहीं होता था उस दिन मुझे अंदर से ख़राब लगता था। तो अपने जैसे सारे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, जहाँ पर चीज़ें, जहाँ पर समय मेरा ख़राब होता था, वो सारा कम कर दिया था। सोता मैं जितना इंसान को सोना चाहिए, सोने में कटौती नहीं की थी मैंने, क्योंकि जर्नी एक दिन की तो है नहीं, ये तो एक साल की है, आपको एकदम मैराथन टाइप का है। तो सोने में नहीं किया, उल जुलूल यहाँ बातचीत और ये सब मतलब फ़न वाली चीज़ें ये कम कर दी, बाकी समय पूरा पढ़ने में लगाते थे। तो फिर अंदर सेटिस्फेक्शन रहता था कि यार इतना रुपया घर वालों ने लगाया है, हमने भी खुद से तो वादा किया ही है, मतलब आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से कैसे बोलेंगे, आपने खुद से तो वादा किया है ना, सामने लिख रहा है डेस्क पे लगा है मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, तो ऐसा लगता था नहीं यार लगे रहना है। फिर मैं सोचता था ठीक है नहीं होगा, हो सकता है ना होने के मतलब हज़ार कारण हों कि तबीयत ख़राब हो गई, एग्ज़ाम ख़राब आया, उस दिन मैं समय से पहुँच नहीं पाया, हज़ार कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जिसको मैं रोक सकता हूँ वो ये है कि मैंने मेहनत नहीं की या मैं सिंसियर नहीं था। तो मेरे हाथ में एक कारण है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं नहीं होने दूंगा, बाकी 999 कारण हो वो तो किस्मत है, डेस्टिनी है, ईश्वर चाहेगा तो हो जाएंगे, नहीं होगा तो, लेकिन मेरे हाथ में एक कारण है गुरु, इसको मैं नहीं हटने दूंगा, मैं मेहनत कम नहीं करूँगा। और चाहे तो मैं इतना मतलब मैं जैसे अभी मैं कभी सोचता हूँ इतना ज़्यादा मैं उस समय मेरे दुनिया भर की इतनी सारी चीज़ें पढ़ता था मैं, तो मैं पढ़ लिए सारे ये मतलब फिल्टर तो बहुत मतलब जितना है सारा पढ़ लो, कौन मतलब वो था ना कि समंदर पढ़ के जाओगे तो झील आएगी, झील में से आपको लोटा भर के आएगा, तो लोटा भर के आप एक गिलास भर तो आप कर ही लोगे कम से कम, इतना ज़्यादा पढ़ के जाओ कुछ 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 मतलब उसको फनल होके कुछ चीज़ें तो एंड में बच जाएंगी। तो ये मानसिकता थी, इसी से शुरुआत कर, इसी से हमेशा वो ड्रिवन रहते थे। अच्छा अच्छा, पहला तो मतलब जैसा कि हमने बताया, जैसे आजकल टॉपर जो ज्ञान देते हैं कि हमने तो ये कर लो कि लक्ष्मीकांत भगवत गीता है, या फिर जो लिमिटेड सोर्सेज रखो या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ो, तो आपके अप्रोच क्या थी पढ़ने को लेके, कि बहुत ज़्यादा पढ़ना, कुछ भी पढ़ना या फिर लिमिटेड सोर्सेज? यार इसमें मतलब ये अगेन पहला तो डिस्क्लेमर इसमें ये कि हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अगर कोई कहे कि आपका अपनी पत्नी से कैसा संबंध है, तो उसका एक जवाब हो ही नहीं सकता। कोई कहेगा कि हम मैं बहुत अच्छा, इन इन चीज़ों पे बहुत अच्छी सहमति है, इन चीज़ों पे डिफरेंसेस हैं, कोई कहेगा कि इतना काम मैं कर लेता हूँ, इतना काम वो कर लेती है। तो जैसे हर रिश्ता यूनिक है, वैसे ही हर UPSC एस्पिरेंट की जर्नी यूनिक है, क्योंकि रास्ता सबका अलग अलग है, मंजिल सेम है। जब रास्ता सब अलग है, चलने वाला अलग है, तो स्ट्रेटजी एक कैसे हो सकती है? हाँ, इंस्पायर्ड हो सकती है। तो अब जैसे अब शुरुआत करते हैं, जो सवाल था, हर लोगों की स्ट्रेटजी उनकी वीकनेस है, उनकी डिमांड के आधार पर होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ऐसा लगता है कि यार ये मैंने ये टेस्ट सीरीज लगाई, मेरे हिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसने टॉपिक सुना ही ना हो, या ऐसा हो कि सुना हो लेकिन गलत हो गया टिक लगाने में। तो अगर सुना है तो इसका मतलब है आपको पुनः रिवीजन करने की ज़रूरत है, और टॉपिक सुना ही नहीं है इसका मतलब आपको और अपने रिसोर्सेज को वाइड करने की ज़रूरत है। तो हर जैसे मैं हमेशा इसको एनालॉजी देता हूँ कि UPSC जर्नी एक कोहरे में चलने जैसी है, आपको बहुत दूर का 100 मीटर का नहीं दिख रहा है, 500 मीटर का नहीं दिख रहा है, एकदम घना कोहरा है। जरा कल्पना करो एकदम सर्दी में घना कोहरा, तो हम क्या करते हैं? चार कदम बढ़ते हैं, फिर चार कदम आगे का दिखता है, फिर चार कदम बढ़ते हैं, फिर चार कदम आगे का दिखता है। जब आप चार कदम आगे बढ़े हो, तब आपको चार कदम आगे का दिख रहा है, और उस चार कदम में आपको ये देखना है कि यह गड्ढा है कि रास्ता सही है। तो आपको हमेशा अपनी जर्नी के दौरान खुद को जागृत रखना है, सेल्फ एनालिसिस करते रहना है। जैसे मुझे पहला अटैम्प्ट जो था वो मेरा ये था कि कोचिंग भी कर रहे थे तो एंड में समय कम मिला था, तो ये लगा कि यार मतलब इस बार तो कैसे करके प्री निकल जाए,
तो टारगेट प्री का था, इसलिए भी क्या घर वाले कहेंगे सर तुमको भेजा वहाँ पे और प्री भी नहीं निकाल पाए, कहते यूपीएससी निकालोगे तो पहले ही ऐसा ना लग जाए कि एकदम सेटबैक लग जाए फिर अगली बार उठने में हालत ख़राब हो। तो इसलिए था कि प्री इस बार निकालना है, पूरी दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ लेनी है। तो उस समय मैं जिस रूम में रहता था, छोटा सा रूम बताया था जिसमें सूरज भी नहीं पहुँचता था, उसमें मुझे याद है कि जब मेरा पहला प्री था तो मैं 28 दिन रूम से नहीं निकला था। 28 दिन बाहर, रूम के बाहर भी नहीं, उनके बाहर नहीं, भाई वहीं लंच आता था, हमने लंच ले लिया और टिफिन आ गया टिफिन ले लिया, डिनर आ गया डिनर ले लिया और फिर पढ़ने बैठ गए, सो लिए पढ़ लिए सो लिए। ये लास्ट क्योंकि पहला अटैम्प्ट था और सब कुछ दाव पे लगा था इस बार, तो मतलब मैं वही कह रहा था कि चाहे जो हो जाए पेपर कैसा आए क्या, वो अपने हाथ में है नहीं, अपने हाथ में आज है, आज हमें ठीक से पढ़ना है। तो जितने टेस्ट सीरीज आती है, जितनी कोचिंग्स आती हैं, मैं मल्टीपल रिविजन्स इसको पढ़ा उसको पढ़ा और रिसोर्सेज बढ़ा दी, जिसमें मेरे कम मतलब क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो रहे थे उनको बार बार रिवाइज़ किया, तो बहुत सारी चीज़ें की, तो ये सोच के की थी यार जब सब कुछ पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो प्री हो गया, फिर लगा कि यार ये तो यार आश्चर्य की बात है प्री हो गया, हम तो सोच रहे थे कि क्या होगा। मुझे याद है 2 जून को प्री था और मैं 6 या 7 जून को फिर से दिल्ली आ गया। फिर मेंस में कुछ आइडिया नहीं था, आंसर राइटिंग शुरू की नहीं थी कि कैसे करना होता है क्या करना होता है। तो मुझे याद है मैंने विकास और इन सब लोगों ने साथ में हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, विकास का भी ऑप्शन सोशियोलॉजी था, तो 4-5 दोस्त थे, हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और कोचिंग हमने मतलब इट्स नॉट गुड टू टेक नेम ऑफ एनी कोचिंग, हमने अपनी जो कोचिंग थी उसमें अपना वो करते थे। तो मुझे याद है एक एथिक्स में एक मुदित जैन करके एक IRS ऑफिसर हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बड़े ही क्रिस्प तरीके से समझाया थे लिखना कैसे है। और एक कोई केरल कैडी कैडर के हैं, के नायर करके, मुझे याद नहीं है, केरल कैडर के सीनियर हैं, उन्होंने एक पूरा डिटेल में ब्लॉग बनाया था कि लिखना कैसे है। तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि एक अच्छा आंसर ये होता है, फिर हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी। फिर करते करते हमारा ऐसे भी हो गया, ये सब हो गया, ऐसे के लिए मैं डिस्कस करता था, कुमार सौरभ मेरा एक दोस्त है वो भी IIT कानपुर का है, तो उसका भी ये सब हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से फिर हमारा मेंस भी हो गया, अभी हो गया मेंस भी हो गया, अब क्या करना है। फिर इंटरव्यू में हमने डेफ भरा, तो उसमें हॉबीज़ वगैरह ये सब सीनियर से पूछी कि क्या करना है। रवि प्रकाश मीना है जो हिंदी साहित्य सभा में थे और हमसे 1 साल सीनियर थे कॉलेज में, उनका कॉलेज पास आउट वाले ईयर में ही हो गया था, वेस्ट बंगाल कैडर में है वो, तो हमने उनसे चर्चा की कि रवि इसमें ऐसे ऐसे हो गया अब क्या करना है। इस तरह से वो पूरी जर्नी बड़े ही मतलब हैप्पी सरप्राइजेज वाली रही, क्या ना तो ये हो गया, इस बीच पता चला प्री जब हो गया तो प्री होने और गांव में सब लगा, सबको लगा कि IAS हो गया तो पूरे गांव में हर जगह हल्ला हो गया, प्री निकलती कि IAS हो गया, फिर पता चला जब दोबारा एग्जाम दे रहा हूँ तो बोल रहे फेल हो गया फेल हो गया कि IAS नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मैं अब्बा उड़ गई, घर वाले मुझे फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारा फेल हो गया क्या, मैंने कि नहीं वो तो प्री था, उसके तो मार्क्स भी नहीं जोड़ते, वो तो क्वालिफाई अभी मेंस है। फिर मेंस में हुआ, फिर ये हुआ कि यार फिर इंटरव्यू में हुआ, फिर पता चले कि मैंने मेरा पहले अटैम्प्ट में IPS में हुआ था, तो फिर मैंने IPS की ट्रेनिंग लिया, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली 1 वीक बाद, तो हर जगह हर जगह मेरे गाँव में ये हल्ला हो गया कि मेरी हाइट कम है इसलिए मुझे निकाल दिया तो हर तरफ गांव में ये हल्ला हो रहा था और मेरे घर वाले अलग परेशान, कहते हैं ये तुम क्या होता तुम बताते नहीं हो, मैं हमारा हाइट कब कैसे निकाला, मैंने यार ये सब ऐसी अर्जी फर्जी बात है ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी फनी इंसिडेंसेस भी हुए थे, ये सब सुनने में फनी लगता है, ये बताता है कि कितने नज़रें हैं जो आपको देख रही हैं, पूरा क्षेत्र पूरा रीजन जो है पूरा आसपास के 10-15 किलोमीटर वो आपको देख रहे हैं। कि जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो सफल होने की उसमें होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे बहुत बड़े कलेक्टर बनने गए थे अभी देखते हैं, तो जैसे ही कुछ बताता वैसे ही सब अरे ये हो गया ये हो गया, हाइट कम हो गई ये हो गया, इसमें नंबर कम आए निकाल दिया। तो ऐसा था ये जर्नी। तो अच्छा आपने इतने सारे दोस्तों के नाम लिए, तो दोस्त कितने इंपॉर्टेंट थे इस जर्नी में? यार दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट थे नो डाउट। जैसे मेरा पहला अटैम्प्ट जो था उसमें तो खैर मैं थोड़ा मिलता जुलता कम था क्योंकि उसमें कोचिंग भी थी पढ़ना भी ज़्यादा था, तो विकास से बातचीत होती थी, कुमार सौरभ से बातचीत होती थी, पुनीत से बातचीत जो मेरा रूममेट था, और शशांक से जब इंटरव्यू में थे तो रॉबिन्सन गुरिया शशांक और तरुण ये सब लोग, कुछ और दोस्त थे सेकंड ईयर मेरे अलग रूममेट बन गया था कपिल, इन सब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन आप सिविल सर्विस में दोस्त का बहुत ज़्यादा मतलब सर्किल बहुत बड़ा नहीं कर सकते, ये तो आपका टाइम किल होने लगेगा। क्योंकि उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया तो उसके बाद फिर मैंने EOL लिया था, उस समय फिर गैदरिंग आउटिंग थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, इसी माने कुछ टॉपिक पे डिस्कशन हो गया, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, प्लस सब एक दूसरे से मोटिवेट करते रहते रीइंफोर्स करते रहते थे। दिल्ली में बहुत छोटी सी खुशियाँ रहती थी, हमें याद है कि हम जैसे सौरभ और हम लोग जब मेरा सेकंड ईयर था तो बढ़िया 10 रुपये का पपीता लाते थे, बढ़िया धूप में जाके मस्त काटते थे उसको और काला नमक लगा के खाते थे, तो हमारी पार्टी हुआ करती थी, 10 रुपये में बढ़िया पूरा आनंद लेते थे, फिर अपना पढ़ने लग जाते थे। इंटरव्यू में दोस्तों ने बहुत मदद की,
अखबार पढ़ने में, मॉक इंटरव्यू लेने में। जैसे मुझे याद है कि वो जब बैठते हैं तो कोट का बटन खोलना होता है, तो फिर उसकी भी कई इतना रिहर्सल की, सौरभ इन सब लोगों ने बताया कि भाई ऐसे जाओगे और ऐसे खोलना है अपना बटन। तो बहुत माइन्यूट चीज़ों की, फिर ऐसा होता है कि आपके सुख दुख हैं वो बड़े ही यूनिक होते हैं। एक सिविल एस्पिरेंट के सुख और दुख बहुत यूनिक है, उसे एक सिविल एस्पिरेंट ही समझ सकता है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। इसके साथ कोई डिस्ट्रैक्शन होते थे वहाँ पे कभी? बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन तो मतलब ऑफकोर्स होते ही हैं, बट इवेंचुअली यही है कि यार कितना आप उनको वेटेज देते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, फिर लगा नहीं नहीं अभी तो मतलब आई हैव बीन जस्ट टच द माइलस्टोन, बस पहुंचने वाले हैं, इसलिए फिर दुगने मेहनत से प्रयास किया। तो अल्टीमेटली ऐसा है ना कि यार रंग जो होता है, अगर आपका खुद का रंग है तो उतरेगा नहीं, अगर दूसरे का रंग है तो उतर जाएगा। अब दूसरे का रंग कैसा भी हो सकता है, आप किसी और से इंस्पायर्ड हैं, किसी और से प्रेरित हैं, किसी और व्यक्ति से हो, तो वो आपका रंग नहीं है, वो आपने उधार लिया है, वो अपने पे चढ़ा लिया है। लेकिन जब आपका खुद का रंग जो है उसके रंग के अंदर ही आपके जुनून भरा है ना, आपका खुद तो रंग फीका कैसे होगा? तो जैसे मतलब सोने पर अगर पानी चढ़ा दो तो पानी उतर जाएगा, लेकिन सोने का नेचुरल कलर है वो तो वैसा ही रहेगा। तो खुद को मतलब मैं तो हमेशा यही कहता हूँ लोगों से भी, जब तक आपके अंदर खुद के अंदर आग नहीं लग रही हो, तब तक फिर वो बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। ये अच्छा जी, इतने सारे दोस्त हैं तो कुछ लोगों का नहीं भी होगा सिविल सर्विस में, तो दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, क्योंकि दे आर डूइंग गुड। जैसे कुछ लोग आरबीआई में हैं, है ना, कुछ लोग स्टार्टअप्स में हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। कि वी हैव टू टेल आवर ऑडियंस कि देयर इज लाइफ अदर देन यूपीएससी। ऑफ कोर्स देयर इज लाइफ अदर देन यूपीएससी। बहुत जैसे मेरा एक दोस्त है वो आरबीआई में है, बढ़िया कमा रहा है, यार कहाँ हमारे ये सब करते रहते थे, अब यहाँ बढ़िया चल रहा है, मेरे छुट्टी मिल जाती है और अच्छा पैकेज भी है और नो टेंशन है, ठीक है भाई। कुछ लोग स्टार्टअप में भी हैं ना, और कुछ लोग कोचिंग इंडस्ट्री में भी हैं जो इवोल्यूशन और ये सब कर रहे हैं। तो हर कोई अपने लाइफ से अपना गुजारा कर रहे हैं, बढ़िया खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग स्टार्टअप वगैरह वो भी अच्छा कमा रहे हैं। तो सब अल्टीमेटली यार मतलब कश्तियाँ सब किनारे पर लग जाती हैं, ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। वाह क्या बात कही। तो कश्तियाँ तो सभी किनारे पर लग जाएंगी, तो जो जहाँ उसको उसमें खुश रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, कमिंग टू योर सर्विस, तो आप जितनी प्रिपरेशन कर रहे थे, एक तो आपने बैक टू बैक दो बार निकाला। अच्छा दूसरी बार जो निकाला आपने, एक बार तो आप आईपीएस बन गए, तो काफ़ी लोग तो संतुष्ट हो जाते कि भाई एक बार निकाले रिलैक्स हो गए, तो आपने वापस की प्रिपरेशन की? ये ऐसा सवाल है जो मुझे सेकंड इंटरव्यू के लिए इतना हॉन्ट करता था, क्या बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा। जैसे मेरा इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरा खुद का व्यक्तिगत नेचर है, जिस अपब्रिंगिंग से मैं आता हूँ, तो मुझे थोड़ा सिविल नेचर का काम करना था। उसमें इतनी समझ नहीं थी कि क्या काम होगा, लेकिन इतना क्लियर था कि पुलिस जो होती है उसका काम लॉ को एनफोर्स, सबको पता है लॉ को एनफोर्स करना होता है, उसमें बहुत डाइवर्स नहीं होता है। और शुरुआत हम करके आए थे इससे आईएएस बनने के लिए, जर्नी शुरू ही उससे की थी। बहुत से लोग इसीलिए करते हैं, और कुछ लोग अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अलग सर्विसेज की भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो आईएएस ही थी, पहले तो आईपीएस हो गया था। फिर उन्होंने पूछा कि यार क्या होता है, फिर पता चला कि एक ईओएल करके प्रोविज़न होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। उसमें एक साल आपको मतलब जितने साल के आप जितने समय के लिए लीव पे रहोगे उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप फिर अगले बैच से ज्वाइन कर लोगे। तो मैंने कहा अगले बैच से ज्वाइन कर लेंगे मतलब वो नौकरी भी नहीं जाएगी, एक बार ट्राई कर लेते हैं ये हो जाए तो और अच्छा है। इसमें भी क्या हुआ था, इसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरा पहला इंटरव्यू जो था मैंने हिंदी में दिया था। अच्छा, हाँ, ये वहाँ लोगों को नहीं पता है जो मेरा पहला पूरा प्री मेंस मतलब प्री में तो लैंग्वेज होती क्या है, मेंस मेरा पूरा इंग्लिश में था। तो फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं मेरे मतलब जो इंटरेस्ट अभिरुचि जो हम खोलने बोलते हैं, मेरी अभिरुचि ये है, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो हिंदी पोइट्री इन सब में है। और इंटरव्यू में सब लोग कहते थे, ज्ञान देते थे कि इंटरव्यू में यू हैव टू बी नेचुरल, आपको अपने नेचुरल सेल्फ में रहना है। तो मैं कुछ सवाल पूछता था कि यार मेरा नेचुरल सेल्फ तो हिंदी में ही है, हिंदी में ज़्यादा अच्छे से मैं अपनी बात बयान कर पाऊँगा, तो मैंने हिंदी ले लिया। पता चला कि उन्होंने मेरे जो एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हॉबी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो कुछ पूछा ही नहीं, हर क्वेश्चन योर कर, और हर किसी मेरा जवाब माफ कीजिए सर मुझे नहीं आता है, लगभग 60-70% भी यही हुआ होगा। तुमके इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे उस टाइम पे? लेकिन उस समय ये था कि मैं इतना ट्रेन हो गया था कि मुझे मुस्कुराते रहना है और ऐसे बहुत वैसे टेंस नहीं होना है, तो हर किसी में बड़ा ही मतलब मृदु मुस्कान के साथ कि माफ़ कीजिए सर ये नहीं आता है, इतना आता है इतना नहीं आता है। जैसे क्वेश्चन भी बड़े ही बहुत यूनिक और बड़े ही टेक्निकल बैकग्राउंड थे। उन्होंने पूछा था कि बिल्डिंग में स्टील सीमेंट रेशियो कितना होता है, तो मैंने कहा कि स्टील कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ये सब बता दिया पूरी कहानी। कहते नहीं नहीं एग्जैक्ट रेशियो बताओ, मैंने कहा सर नहीं पता। फिर उन्होंने पूछा था कि इंडिया में वेस्ट टू एनर्जी का पोटेंशियल कितना है, मैंने कहा सर जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है पूरा ज्ञान दे दिया कि खूब ज़्यादा है, उन्होंने नहीं एग्जैक्ट मेगा वो बताओ,
मेगावाट गीगावाट ये सब यानी एग्जैक्ट तो नहीं पता। फिर उन्होंने पूछा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हाँ, तो उन्होंने वो झरना ऊपर से गिर रहा है तो किस जगह पोटेंशियल एनर्जी किस जगह काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर मैंने कहा ये नहीं पता। मेरा सोशोलॉजी था, उनसे दो तीन सवाल पूछे वो मैंने बता दिए थे कार्ल मार्क्स और ये सब रिलीजन के ऊपर। एंड में मुझे लगा कि अब जो चेयरपर्सन थे वो कुछ हॉबी या कुछ वैसा पूछेंगे। चलते चलते उन्होंने पूछा कि न्यूक्लियर एनर्जी कितने तरह की होती है और कितने तरह की नया न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। यानी कि ठीक है भाई नहीं आता वैसे ही बोल दो, ऐसे पकड़ के और का सवाल देने की क्या ज़रूरत है। तो पहला इंटरव्यू मेरा ऐसा रहा था। तो इंटरव्यू आप नहीं चला रहे थे, मतलब नॉर्मली मैंने जो सुना है लोगों से कि मेरे पहले इंटरव्यू 151 मार्क्स थे विच वाज क्वाइट गुड, जो मेरा जिस तरह का वो था। फिर मैंने दूसरा अटैम्प्ट में इंग्लिश ली थी, इंग्लिश वाज माय मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और मुझे याद है मैंने इंग्लिश के लिए कितना एफर्ट डाला था। मैं रोज़ सुबह 2 घंटे अखबार बोल बोल के पढ़ता था, खुद से मैं इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश मैंने हमेशा लिखी थी, कॉलेज में भी इंग्लिश लिखी थी, ठीक है उससे पहले भी इंग्लिश लिखी थी, सिविल सर्विसेज में भी इंग्लिश लिखी थी, कभी बोली नहीं थी। तो सेंटेंस सब धड़ाधड़ फ्रेम होते थे लेकिन जो जीव जो थी टंग जो थी उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, और एक कभी इंग्लिश बोली नहीं थी उसका वो भी था फियर ऑफ अनसर्टेन वाला। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता था कभी इंग्लिश को लेके? कभी कभी हाँ आता था, मतलब ये दुनिया ऐसी है ना, जब बाहर गैदरिंग और बाहर कभी दुनिया में ऐसा लगता ही था क्लास में इन सब जगह कि यार तो क्या सही इसका क्वेश्चन कितना सही तरह से फ्रेम करके पूछ रहा है और हमें वो आता ही नहीं है, तो वो भी रहता था। इसलिए लड़ने के लिए आई टुक ए चैलेंज कि इस बार मैं इंग्लिश में करूँगा, देखा होगा देखा जाएगा। अब बढ़िया मैं एकदम शीशे के सामने अखबार पढ़ पढ़ के, मुझे याद है मेरे दूसरे नंबर में जो फ्लुएंट इंग्लिश हुई थी, धड़ाधड़ मैं जो बोल रहा हूँ मस्त इंग्लिश, मतलब तो मुझे थोड़ा समय लगा बट इवेंचुअली। फिर वो दूसरा इंटरव्यू था, तब मैं IPS में था, तो उसमें फिर मेरा जो डेफ था, मेरी जो हॉबीज़ थी, जो मैंने लाइफ में जो जो किया था उन सब पे पूछा, तो वो दूसरा अच्छा गया। और जो पहली सर्विस के और जो बीच का गैप था, मेरे पहले इंटरव्यू 151 थे, दूसरे 175 थे, फोड़ दिया दूसरा वाला। दूसरा वाला एकदम बस चाप दिया उसमें, फिर इसकी वजह से फिर सर्विस अपग्रेड हो गई। अच्छा, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो एक बार क्लियर कर लेते हैं उनका वापस फ्री भी नहीं निकलता, इवन काफ़ी केसेस देखे हैं, तो आपकी केस उन्होंने बैक टू बैक निकाला है, तो आप थोड़ा उस बारे में बताओ कि आपने क्या चेंज मतलब कैसे। और उसमें क्या था ना कि मतलब बैक टू बैक में ये अच्छा रहता है अगर बहुत ज़्यादा गैप नहीं है कि करंट अफेयर लगभग लगभग सेम रहता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने पहले अटैम्प्ट में दुनिया भर करंट अफेयर ये वो सारा पढ़ लिया था, वो हो गया था। फिर मैंने जो पहले अटैम्प्ट में जहाँ मुझे लग रहा था थोड़ा कमी है वो पढ़ लिया था, फिर अल्टीमेटली जितना पढ़ सकते तो उतना पढ़ लिया था, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर UPSC तो अनसर्टेन है ही, उसका पहला यू ही अनसर्टेन है, अनसर्टेन उसका USP है। तो ये सब सोच के फिर कर दिया था, बट लक हैज़ बीन ऑन माई साइड, लक थोड़ा अपने साथ रहा, पुराना जो पढ़ा हुआ था वो याद आ गया और क्वेश्चन सही मात्रा में अटैम्प्ट कर दिए तो हो गया। तो इसमें लक और मैंने तो कंपोनेंट कितना है UPSC में? मतलब शेर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसे कुछ है कि मेहनत भी कर हौसला भी रख और उसके बाद फिर मुकद्दर तलाश कर। वाह, आपने इंटरव्यू में कोई शेर सुनाया वहाँ पे? इंटरव्यू सुनाया था सेकंड इंटरव्यू में। अच्छा, हाँ याद है, मैंने गोपाल दास नीली कविता सुनाई थी। अच्छा, अब तो मजहब को ये ऐसा भी चलाया जाए इसमें इंसान को इंसान बनाए, हाँ मेरे और तेरे बीच में रिश्ता हो कुछ ऐसा कि मैं अगर रहूँ भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। तो हाँ, तो इस तरह से इंटरव्यू वाला शुरू हुआ। लक वाली जो हम बात कर रहे थे, फिर अल्टीमेटली यार वो जो मैंने कहा कि मेहनत भी कर हौसला भी रख इसके बाद फिर मुकद्दर तलाश कर, बट लक को आप बहुत ज़्यादा उसकी हाथों में चीज़ें छोड़ नहीं सकते। अल्टीमेटली जब आप बाइक चलाते हैं तो ग्लव्स पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो आप जो आगे हो सकता है उसके लिए तैयार है। तो आपका काम है हेलमेट पहनना, बाइक चलाना और सेफ्टी गाइडलाइन का ध्यान रखना, उसके तहत चलाना। उसके बाद जो आगे होता है वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, वो फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में है नहीं। तो मेरा तो बस यही कहना है कि जो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करो, बाकी सब चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दो। ओके, सो कमिंग टू योर सर्विस, तो इतनी जब आपने मेहनत की, दो बार बैक टू बैक UPSC निकाला, जब सर्विस में आए तो ये वही था जिसके लिए तैयारी कर रहे थे? ये बड़ा ही फिलोसफिकल क्वेश्चन है। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि कभी जो ख्वाब था वो मिल गया है मगर जो खो गई है वो चीज़ क्या है। वाह। अच्छा, आपने कभी सोचा पोएट्री एज ए प्रोफेशन? प्रोफेशन नहीं सोचा बट मुझे अच्छा लगता था, कॉलेज में जब अप्रिशिएशन मिलता था। जैसे मैं अपने स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा अचीवर नहीं रहा हूँ, मतलब मैं हमेशा बैक बेंचर टाइप का और बहुत शाही टाइप का रहा हूँ। तो मुझे पहली बार जो मैं स्टेज पर परफॉर्म किया हूँ और लोगों ने ताली बजाई वो कॉलेज में ही बजाई है, तो मेरे खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो।
तो पोइट्री ने मुझे वो कॉन्फिडेंस और वो पहचान दिया। तो हम जो बात कर रहे थे, जो आपने सोचा था वही है कि नहीं, मतलब कई मायने में वही है, कई मायने में नहीं भी है। अल्टीमेटली सच्चाई जो एक्सट्रीम में नहीं होती है, सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में होती है। 10 में से कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि हर ये चीज़ें सही हैं, एंड इट गोज़ विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर जगह यही होता है कि कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि यार ये चीज़ सही है, कुछ चीज़ें आपको लगती हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना बड़ा सेटअप है, और आप बस उसके एक छोटे, इतने बड़े तंत्र का एक छोटा सा, आप उसका यू आर जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो आपके अधिकार में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। तो जो चीज़ें हैं उसमें जब हम करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है, तो कुछ चीज़ें नहीं हैं उससे हम संतोष करते हैं। फिर लोग तो बाहर से आपको सिस्टम समझते हैं ना कि पावर, पर्स, गाड़ी आ रही है, गेट वेट खुल रहे हैं। ठीक है, बट वो मोटिवेशन वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपने ट्रेनिंग के कई सारे मेरे इंसिडेंस ऐसे हैं, तो कुछ हमारे, हम जब मतलब काम तो खैर ऊपर वाला कराता है, जब हम निमित्त बनते हैं किसी काम का तो हमारे जरिए होता है, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि यार जो इंटरव्यू बोला था कि कुछ करना है वो शायद हम उसके साथ न्याय कर पाए हैं। अल्टीमेटली फिर उसी सेटिस्फेक्शन भी आता है। अच्छा अजय, अभी तक जो आपकी सर्विस रही है, मतलब उसमें जो आपने बहुत सारे काम किए होंगे, किए हैं ना, उसमें से मतलब कोई पर्टिकुलर कुछ इंसिडेंट्स जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ इम्पैक्टफुल काम, या फिर ऐसा संतुष्टि हुई है कि वाह, मतलब यार ऐसे मेरे बहुत सारे मुझे, हालांकि बहुत छोटे छोटे हैं ना, बट जैसे मुझे याद है जब मैं अपनी ट्रेनिंग मेरी मऊ ज़िले में हुई है, आजमगढ़ डिवीज़न का एक ज़िला है मऊ, इट्स इन फार ईस्ट, बलिया के बॉर्डर को टच करता है। तो उसमें मैं BDO था गोपागंज, तो उस समय एक गांव था फतेहउल्लागंज ऐसे कोई नाम था उसका, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। तो उसमें निर्देश थे सरकार की तरफ से, हमको जो जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों का सम्मान करना है। तो एक गांव इंदारा की शायद बिंदु देवी थी, उनको हमने सम्मानित किया ब्लॉक में बुला के। फिर मुझे पता चला कि एक राम कुमार यादव करके एक व्यक्ति हैं जो शहीद हुए हैं उसमें कारगिल वॉर में 1998 में, तो उन मैंने पता किया, मैंने कि उनको बुला लो। तो फिर वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि सर उनके जो पिताजी हैं बेचारे बहुत ही गरीब हैं, वो उस गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर उनकी बस्ट जो होती है ना मूर्ति वो लगी थी, तो उसको वो रोज़ सुबह शाम जाते हैं, उससे माला चढ़ा दिया जलाते हैं, और उनकी माँ है वो 2 साल से बिस्तर से नहीं उठी है। मैंने कहा रुको हम जाएंगे उनके, उनको मत बुलाओ। तो मैं तब BDO था, तो मैंने PM आवास योजना, पेंशन योजना, दिव्यांग योजना, जितनी योजनाएं हैं सबके अधिकारी अपने साथ लिए, और मैंने कहा कि देखो भाई मैं अपनी इच्छा से जो उनकी काम लायक चीज़ें हैं वो मैं देने जा रहा हूँ, जिसको जो देना है दे दे। तो हमने भी छाता लिया जो मैंने अपनी तरफ से दिया था, फिर किसी ने उनके लिए चप्पल ली, किसी ने अंगोछा लिया, किसी ने कुछ लिया। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा कि मैंने पैर छुए उनको, ये सब चीज़ें दी। तो मुझे याद है जब मैं उनकी माँ के पैर छूने जा रहा था, तो मैंने हाथ देर की बड़ी देर तक मुझे देख रही थी वो, कि कौन है व्यक्ति आया है। तो मैंने पूछा बाबा पानी कहाँ पीते हो, तो बोलते हैं कि बेटा हम यहाँ तो भर के लाते हैं, पानी नहीं है। यानी कि लाइट चली जाती तो रोशनी कैसे होती है, तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ पर कोई रोशनी का नहीं, डिबरी जला लेते हैं हम, घर भी उनका टूटा हुआ था। तो मुझे याद है फिर मैंने 2 सप्ताह मेहनत करके उनका पानी का वो करवाया, बोरिंग करवाया, सरकारी नल लगवाया, उसके बोरिंग 3 जगह हो गए, पानी नहीं मिल रहा था कहीं। यानी जब तक नहीं हो रात को वहीं कैंप करो। मेरा सेक्रेटरी था नंद बिहारी नाम था उसका, मुझे नाम भी याद है उसका, नंद बिहारी तुम वहीं रहोगे, कैंप करो, लेकिन वहाँ मुझे पानी चाहिए, पानी निकाल के लाओ कहीं से भी। जो वहाँ पर जो बाबा थे उनके घर में पानी निकला, तो वहाँ एक नल लगा, फिर हमने एक सोलर लाइट लगाई, उन तक पहुँचने के लिए इंटरलॉकिंग लगवाई हमने, वो ऊंचा सुनते थे। तो मैंने याद है 15 अगस्त को मैंने अपने हाथों से उनको हीरिंग एड उनके कान में पहनाई थी, और पेंशन में भी उनका कुछ इशू था वो हमने कराया था। तो ये सब काम हमने रेगुलर करा दिए थे, और 1-2 योजना का उन्हें लाभ और दिया था। बट ये उस समय तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि बड़ा, मतलब उनके लाइफ के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल काम हो गया है। वहाँ पर एक वैसे ही गुजर रहा था, तो मैं एक लड़के से बोला कि वो उस गाँव में फतेहउल्लागंज बाबा रहते हैं, वहाँ उनसे पूछना कि नल सही चल रहा है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे BDO भेजी, तो उन्होंने ये लिखा था कि भाई आप इंसान नहीं देवता हैं, मतलब एक तो हमें भगवान ने जन्म दिया, दूसरा आपने जन्म दिया है ना, और आपका गुणगान, ऐसी उन्होंने बातें शब्द बोले। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार भाई मेरे लिए तो ये मेरा रूटीन काम है, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी बदल गई। तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने कि यार एक परिवार को एटलीस्ट, मतलब मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया कि मैंने एटलीस्ट एक परिवार के लिए सारी सुविधाएँ दे दी। तो वो आते थे, फिर हम उनका बड़ा ही कॉर्डियल हमारा हो गया था, मैं कभी उनके लिए चप्पलें भिजवा देता था, कभी अंगोछा भिजवा देते थे। इस तरह के काम हमने कई सारे किए, ब्लॉक में कई सारे काम हुए, मतलब छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं बट दे हैव देयर ओन लाइफ। जब मैं SDM ठाकुर द्वारा था, तो वहाँ हमारी जो तहसील थी ठाकुर द्वारा जो प्लेस इन मुरादाबाद, तो अगर मैं इसमें यूज़ नहीं, मैंने नहीं बोलूँगा ठाकुर द्वारा वाला बुरा मानेंगे अगर वो इनकेस कोई देखेगा तो, कि
तो मतलब मऊ में इस तरह के कई काम हुए जब मैं BDO था। फिर ठाकुर द्वारा में जब मैं गया तो हाँ ठाकुर द्वारा तहसील के बाहर एक प्राइवेट बस स्टैंड था और शहर के अंदर था वो, और 50-60 साल से था। मैंने कि ये क्या तमाशा चल रहा है भाई, इसको तो हटाना पड़ेगा, ये तो पब्लिक न्यूसेंस है, तो मुझे याद है उसकी हाईकोर्ट तक जाना पड़ा था। अच्छा हाँ, लेकिन उससे पहले भी SDM लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उनका ग्रुप जो था बड़ा ही स्ट्रांग था। तो मैंने जाते ही पहले तो भाई तिकोनिया पार्क था, मैंने उसको हटवाया, तो लोग मेरे पीछे पड़े रहे, नहीं रखने तो ठेले, मैंने कि दिख जाओगे तो तुम्हारे मार मार भगा दूंगा यहाँ से। तो मैंने सारे उसके एंट्री पॉइंट चौक की बस यूनियन को भगाया वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने सोचा अगर भगा दूंगा तो फिर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेडिशनली 60-70 साल से वहीं लगाते आ रहे थे और वो अपना अधिकार समझते थे, नगर पालिका ने उनको जमीन दी थी। मैंने प्रॉपर लिखित में नोटिस दिया, मुझे हाईकोर्ट में उसके लिए लोग गए, हमने उसका जवाब लगाया, फिर मैंने चारों तरफ उसके लोहे की बैरिकेटिंग लगाई, उस पर तिरंगे के रिफ्लेक्टर लगाए, चैन लगाई। फिर मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ लगाऊंगा जो हटा ना पाएगी, इसलिए मैंने तिरंगा लगाया, तिरंगे को किसी की हिम्मत नहीं हटा जाए। मैंने बड़ा सा उसका चौथे तरफ तिरंगा लगाया। फिर मैंने एंड में उसकी सेल्फी पॉइंट एक बनाया था, उसका नाम रखा था हमारा प्यारा दिल ठाकुर द्वारा, तो हमारा प्यारा ठाकुर द्वारा करके लगाया मैंने। जब ठाकुर द्वारा नाम लिख दूंगा तो कोई नहीं हटाएगा, और मुझे खुशी है कि वो काम ऐसा हो गया जिसने उस शहर की एक तरह से लोगों के लिए कन्वीनियंस और एक नज़ीर बना दी कि अगर अधिकारी अपने पास जाए तो इतना बड़ा काम भी हो सकता है। वहाँ एक कूड़ा पड़ता था एक जगह पर, तो हमने उसका पार्क बनाया, और फिर हमने उसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रखा था, हमने उसका समरसता पार्क नाम रखा था। उसमें दो तीन रिलीजियस ग्रुप के लोग आ गए थे मेरे पास कि साहब ये इस महापुरुष इस वाल्मीकि पार्क इसके नाम, मैंने कि नहीं समरसता मीन्स कम्युनल हारमोनी, तो हमने समरसता पार्क बनवाया था, गेट वेट बनवाए थे कुछ स्कूलों में। वहाँ पर रामपुर घोघर करके एक स्कूल था, वहाँ की मैडम थी ऋचा पाठक प्रिंसिपल मैडम, तो उनका सपना था कि उनके स्कूल की बाउंड्री हो। तो मुझे याद है मैं 4 घंटे धूप में खड़ा रहा था, यानी कि बेटा आज तो बाउंड्री बनेगी। तो वहाँ पर एक जो जिनका खेत था वो महिला थी, तो वो उसको मुझे नाम भी याद है, नाम मिला उचित नहीं है, तो उसने कहना है फावड़े के आगे लेट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा सीन क्रिएट किया था। और मैंने जब मैंने कहा पानी में तब पियोगे जब मैं इसकी बाउंड्री बन जाएगी, और प्रधान ने रातों रात ईंट लगा के और करके तब हमने उसकी बाउंड्री बनाई। तो उनका बहुत ही मतलब कई साल से उन्होंने मतलब सोचो भारत सरकार तक को पत्र लिख रखे थे, भारत सरकार यहाँ वहाँ हर जगह, लेकिन किसी ने बहुत एक्टिवली परस्यू नहीं किया था। मैंने किया जाकर उसकी बाउंड्री बन गई। तो फिर वो कहती थी कि सर आपके आने से बहुत बड़ा काम हो गया, हम स्कूल छोड़ने का सोच रहे थे, अब हमें यहाँ ठीक लगने लगा है। इस तरह के काम हुए। जैसे वहाँ पर मुझे चर्चा चल रही तो और याद आ रहा है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट डिग्री कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट डिग्री कॉलेज के डॉक्टर जितेंद्र मीना प्रिंसिपल थे, वो मुझे अप्रोच किए। तो पहले दिन तो शिष्टाचार भेंट टाइप का, फिर अगले बार उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ स्कूल के लिए रास्ता नहीं है, वो डिग्री कॉलेज था वो, तो अब सोचो उस स्कूल को घूमने के लिए 1 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता था, जबकि जहाँ रास्ता ख़त्म हो रहा था वहाँ से स्कूल केवल 200 मीटर था, 278 मीटर था, मुझे एग्जैक्ट याद है। और उसको घूमने 278 की जगह पूरे 1 किलोमीटर घूमना पड़ता था, और उसमें झाड़ झंकार, तब वहाँ रात को असामाजिक तत्व आ जाते थे, इतना इतना कीचड़ 4-4 फुट का हो जाता था। तो फिर और रास्ता उस नक्शे में नहीं था, तो हमें ज़मीन लेनी थी उन किसानों से, तो उन किसानों के लिए तब मैं SDM था, मेरे कोर्ट में मुकदमा चला, उन किसानों से ज़मीन लेके उन्हें उसके बदले में सरकारी ज़मीन देनी थी। तो हमने 3 महीने मुकदमा उसमें किया। वहाँ पे एक लेखपाल था यशपाल, बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब उसमें लेखपाल था, वो कानून भी हो गया, तो उसने काफ़ी मेहनत की, उसने किसानों से संपर्क किया, सबके घर जाके बोल के, वहाँ के विधायक जी उनसे भी मदद ली हमने, वो एक मेजर अचीवमेंट था। हमने वो फाइनली अपने कोर्ट के आदेश से वो उतनी 7 मीटर चौड़ी 278 मीटर उसने स्कूल के रास्ते के नाम दर्ज की, और वो भी मतलब वो मैंने 3 महीने लग के मैंने किया उसको, सारे किसानों से सहमति ली। तो हमने जो इतना बड़ा डिग्री कॉलेज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था उसकी रास्ता 1.5-2 किलोमीटर से घटा के केवल 200 मीटर कर दी, एकदम सीधी सीधी हो गई। मुझे खुशी है वो रास्ता मेरे यहाँ आने के बाद बनना भी शुरू हो गया है। चाची कितना प्यारे, मतलब छोटे छोटे चेंजेस एंड काफ़ी लाइफ बदल जाती है लोगों की। हाँ बिल्कुल। इसके सिवा कभी ऊपर से फ़ोन भी आता है कि जैसे कुछ काम करना चाह रहे हो फिर ऊपर से फ़ोन आए कि क्या कर रहे हो बच्चे? अभी तक तो थैंकफुली आई हैव बीन टू द प्लेसेस जहाँ बहुत अच्छे सीनियर्स रहे, उस तरह का नहीं आया है, बट अल्टीमेटली इट इज़ द सिस्टम है ना। तो इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं, हम स्वतंत्र तो हैं मतलब, बट स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्रता हमेशा बंदिशों के साथ आती है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो हमारे कुछ अपने दायरे हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, नीति है, उनके भी दायरे हैं, तो सही बात होती है उसको माना जाता है, जो कहीं बार लगता है कि मतलब पहले तो कोई कुछ कहता नहीं है, नहीं तो फिर उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो इट्स ए पार्ट ऑफ वर्क। अच्छा अच्छा सर, इसके दौरान जब आप कानपुर में पोस्टेड थे तो IIT कानपुर में आना वो तो डिस्कस करना ही चाहिए,
जब IIT कानपुर में आपको ऐसे जज बुलाया मतलब बच्चों ने, तो वो कैसी फीलिंग थी कि जिस कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ फिर वहीं पे जा रहा हूँ? यार वो बड़ी ही स्वीट सी फीलिंग थी, एकदम सारे लम्हे सामने से गुजर गए। उस दिन मैंने अपने जो मेरे साथी जो थे उनको बहुत मिस किया, जिनके साथ हम कविताएँ पढ़ते थे, जिनके CCT जाते थे, जिनके साथ एम करके कौन सी जगह है वो, अरे MT हाँ जाते MT में जाते थे, है ना, लैब थी। कॉलेज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। वो बीच की दीवार है वो पूरी हट गई है, वो NCL में पूरी नई नई बिल्डिंग्स बन गई है, हमारे टाइम पे वो नहीं थी, नए हॉल बन गए, हॉल 12 बन गया है। और उस जगह जहाँ पर कभी हम परफॉर्म करते थे वहाँ एज ए जज जाना, ये अपने आप में बड़ा ही मतलब ऐसे एक टाइम साइकिल के पूरे होने जैसा है कि यार मतलब मुझे लगा कि ये भी ईश्वर ने दिन दिखाया है। तो उस दिन मुझे थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी आया ईश्वर के प्रति, यार तूने इस लायक बनाया कि जहाँ पड़े थे वहीं गए हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगा, है ना। तो ईश्वर को धन्यवाद भी दिया, तो अपने दोस्तों को याद किया, तो बड़ा स्वीट सा अच्छा सा नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग थी। ओके, और इटावा कैसा लग रहा है अभी? इटावा अच्छा है, इट्स अ गुड प्लेस, है ना। तो अच्छा, लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, हमारा काम है कर रहे हैं तो अच्छा है। अच्छा, तो अजय वैसे ट्रांसफर्स होते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं? मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता होगा किसी जगह से निकलने का मन नहीं करता? यार ऐसा तो नहीं होता, दो अगर 1.5 साल 2 साल हो गए तो फिर हो गया, चलो ठीक है, नए जिला देखते हैं, नए लोग देखते हैं, नए इश्यूज आते हैं, नए लोगों से मिलना होता है, तो अच्छे रहता है। मतलब ट्रांसफ़र इज़ ए गुड थिंग, मतलब नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई समस्याएं आती हैं। कई बार ऐसा होता है जहाँ रहते हैं वहाँ पर आप अपने सारा स्कोप सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, आप सारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, जिन लोगों के ग्रीवेंसेस हैं उनको सबको जानते हैं, तो फिर धीरे 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 वहाँ आपका पूरा सैचुरेशन हो जाता है। फिर लगता है कि जब तो कोई नई जगह हो, नए लोग हों, नई समस्याएँ हों, उसमें अपना करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। ट्रांसफ़र होता तो अच्छा ही है। तो नए नए चैलेंजेस पसंद है आपको? नए नए चैलेंजेस, दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, बट नए नए चैलेंजेस क्या, बट इट्स ए गुड थिंग कि नए नए समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, लाइफ में भी थोड़ा बोरियत नहीं होती, एक मंडेन लाइफ नहीं रहती, वही जाना आना, तो दिस इज़ गुड थिंग, अच्छा ही है। अच्छा अजय, अदर देन वर्क आप क्या करना पसंद करते हो? यार आजकल तो जैसे मैं इटावा में हूँ तो बढ़िया, मैंने सुबह जिम जाना शुरू किया है, 2 घंटे बढ़िया जिम, डोले दिखाना थोड़े से उसके लिए जिम में आना पड़ेगा, तो जिम जाता हूँ मैं, उसके बाद कभी कभार बैडमिंटन खेल लेता हूँ, और फिर बीच में अपना नॉर्मल TV भी देख ली और फिर बुक्स वगैरह पढ़ ली, तो उसी में समय कट जाता है, बाकी पूरे दिन ऑफिस में ही हो जाता है। पोइट्री वोइट्री नहीं लिखते क्या आजकल? आजकल थोड़ा कम हो गया है पोइट्री, क्योंकि थोड़ा पढ़ने वाला मतलब वो टेम्परामेंट थोड़ा कम हो गया है, माहौल उस तरह का है नहीं। कॉलेज में 4 लोग सुनने वाले, पढ़ने वाले, थोड़ा मोटिवेशन रहता था, अब थोड़ा पुश करना पड़ता है। सर्विस का एक फ़ायदा तो है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने को मिल जाता है। आपकी फोटो देखी थी कुमार विश्वास के साथ इटावा महोत्सव की थी वो, तो हाँ ये एक अच्छी बात है। तो फिर मिले? हाँ, मतलब हमारे अच्छी ऐसी डिस्कशन हुआ, वो पोएम अपनी कविताएँ सुना रहे थे, तो आफ्टर शो काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी। तो अच्छा अजय, मतलब अदर देन दिस, मतलब काफ़ी लोग आजकल जो एक वन ऑफ द मोस्ट अभी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही कंट्री में, जो बी संजीव सयाल जी, उन्होंने बोला कि UPSC इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि इसकी वजह से हमारी कंट्री में एलन मस्क नहीं निकल रहे या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बन रही, तो आपका क्या कहना है इस पर? यार ये तो मतलब ये तो वही बात हो गई है कि बच्चे एक बाप से पूछो उसका बच्चा कैसा है तो क्योंकि मैं खुद सर्विस में हूँ तो न्यूट्रल ओपिनियन, बट मुझे अपने एक्सपीरियंस, सीनियर के एक्सपीरियंसेस और जो लोगों की ब्यूरोक्रेट्स की लाइफ रहती है, उसको लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अपने नए आइडियाज़ के साथ लेके आते हैं, आज आप देखो इतने ज़्यादा इंटरवेंशंस आ रहे हैं सारी स्कीम्स के ऑपरेशंस में, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में नए नए इंटरवेंशंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? कोई तो है वो जो टैक्स से भी इंसान बैठा है, उसने कहा कि मैं बेनिफिशरीज का सिलेक्शन इस मेथड के थ्रू करता हूँ, तो सारी गवर्नमेंट सर जैसे अगर आप राशन वाला देखेंगे, जो गरीबों को राशन या फिर NFSA के उनको राशन मिलता है, उसमें कितने सारे चेंजेस आए। पहले राशन कार्ड पे मिल जाता था, ठीक है, उसके बाद राशन कार्ड बनाने की प्रोसेस पूरी डिजिटलाइज हुई, उसके बाद जो उनका वितरण होता है उसके लिए EPOS अंगूठा लगाना शुरू किया गया, अब अंगूठे के साथ एक वेइंग मशीन आ रही है। सर्विस में ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इन सब का इंटरवेंशन करके लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, और सर्विस का कैनवास इतना बड़ा है, आप पावर में हैं, आप IT में हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, तमाम तरह के आपको स्कोप मिलते हैं, जब पूरा टेक्नोलॉजी और अब तो AI वगैरह का भी, जैसे अगर कुछ दूसरे स्टेट्स में तेलंगाना और कहीं कहीं लोग लैंड रिकॉर्ड्स में AI का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये तो बस कई बार लोगों को बाहर से देखने से लगता होगा, पर नई जो पीढ़ी है 21वीं सदी, उसकी गवर्नेंस भी पूरी चेंज हो रही है, पूरा ई गवर्नेंस हो रहा है, तो थिंग्स आर चेंजिंग इन द गुड डायरेक्शन। अच्छा अभी तो आपके पास इस सवाल का जवाब है, जब आप इंटरव्यू में रहे होंगे तो ये तो पूछा ही होगा कि IIT का बंदा सिविल सर्विस में आ रहा है, तो उस टाइम पर क्या जवाब दिया था?
उस समय तो बस ये लगा, उस समय तो ये था कि उस IIT की है तो दिमाग में कई सारे आइडियाज़ हैं, सोचने का पैटर्न थोड़ा साइंटिफिक है क्योंकि हम ट्रेंड हैं टेक्नोलॉजी में, ऊपर से मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो मतलब दिमाग में तो एकदम वो है, तर्क है लेकिन दिल में भावना है, जब दोनों गठजोड़ हो जाएगा तो एक अच्छा प्रशासक मिल जाएगा। अच्छा अजय, इसके सिवा जो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिबेट्स है IIT वर्सेस UPSC व्हिच इज मोर हार्डेस्ट एग्जाम, कौन ज़्यादा टफ है? हाँ ये भी एक 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 लोग सोचने वाली बात है, मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने स्टेज पे टफेस्ट एग्ज़ाम है। जब बच्चा 12th में होता है उसने इतनी दुनिया नहीं देखी होती है, उसका सोचने का उसका कॉग्निशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सीमित होता है, तो उस स्टेज में इतना स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम क्लियर करना वो भी बहुत टफ है। लेकिन जब इंसान थोड़ा बहुत दुनिया देख लेता है, कॉलेज देख लेता है, उसके बाद जब जीने मरने की बात आती है कि पेट पालने के लिए क्या करोगे, और एम्बिशन भी होते हैं, कैरियर एम्बिशन होते हैं, इन सब के लिए होते हैं, तो उस समय मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी एक UPSC वाला है नो डाउट, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर वाली जर्नी होती है और उसमें टफ बात ये है कि बहुत लंबी जर्नी होती है। उस टाइम तो यूर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स की आपको उनके लिए कुछ करना है? हाँ मतलब पेरेंट्स के लिए भी करना है, प्लस मैं शुरू में ही कह रहा था कि आपने एक वादा खुद से किया है, मतलब पेरेंट्स को आप समझा दोगे समझ जाएंगे, लेकिन खुद को फिर ऐसा होता है कि मूव ऑन कैसे करोगे, ये मतलब आपका खुद का प्यार है, अगर पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया है तो आप कह सकते हो देखो आपने कहा था मैं तो कह ही नहीं रहा था, लेकिन आपने अगर खुद ही खुद से कमिट किया है कि मुझे तैयारी करनी है और फिर नहीं होता है तो कई बार वो एक मेंटल प्रेशर तो रहता ही है। अच्छा अजय, मतलब इसके सिवा आपके लिए तो काफ़ी छोटी जर्नी थी लोगों के लिए बड़ी होती है क्योंकि आपने तो 2 अटैम्प्ट निकाल लिया था, पर जो लोग लगे रहते हैं यार 5-6 अटैम्प्ट्स के लिए, तो आप कितने अटैम्प्ट जाते? ये होता तो क्या होता, एक्चुअली उस समय तो इतना मतलब कुछ चीज़ें हो रही थी, प्री हुआ फिर तुरंत मेंस हुआ फिर तुरंत इंटरव्यू हुआ फिर तुरंत ट्रेनिंग में चले गए फिर वहाँ से ईवा ले लिया फिर प्री हुआ फिर मेंस हुआ फिर इंटरव्यू हुआ, उसमें इतना ज़्यादा सोचने का अवसर मिला नहीं। पहले अटैम्प्ट में अगर सेटबैक लगता तो फिर सोचते है ना, तो उस समय सोचा था कि यार यहाँ नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ उस समय इतना समय भी नहीं मिला और इतना सब क्विक सक्सेसन में हो रही थी चीज़ें तो कभी इस तरह का ख्याल आया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी कोर कंपनी में प्लेसमेंट या फिर ESI सब में जाता अपने सिविल इंजीनियरिंग का स्किल्स का प्रयोग करके। अच्छा मैं इस यहाँ आने से पहले मैं YouTube पे भी सर्च कर रहा था तो आपको YouTube चैनल देखा मैंने उस पर एक तो आपने मॉक इंटरव्यू डाल रखा है राइट, तो मैंने थोड़ा सा देखा जैसा कि आपने बताया कि माफ़ कीजिए सर मुझे नहीं आता भाई साहब देखो ये बंदा कितने प्यार से बोल रहा है नहीं सर तो मुझे नहीं आता तो अदर दिन भी थोड़ा थोड़ा बताइए इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू में और क्या क्या पूछा गया था? मेरा दूसरा इंटरव्यू था उसमें पूरा डेफ पे पूछा गया था, जो उसमें जो हमारे दिल्ली के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं थे श्री BS Basti सर, उनका बोर्ड था तो मैं IPS में था, तो मैं डर रहा था कि यार सबका बोर्ड आ जाए और ये IPS सर है इनका बोर्ड ना आए नहीं तो ये सोचेंगे साले IPS में सिलेक्शन हो गया और IPS से ही बाहर जा रहे हो, तो मतलब वो ऐसा सोचेंगे तो यार कहीं इंटरव्यू में वो ना कर दें। तो मैं वहाँ से निकला, वो ले जा रहा था व्यक्ति जो हमें वो करता है, उसने BS Basti सर के चैम्बर की बाहर ही रोक दिया, मैं ऐसे प्रे कर रहा था वही हो गया। तो मुझे याद है मैं पहले जैसे कुर्सी बैठा उन्होंने पूछा सो ओके अजय इमेजिन योरसेल्फ इन एनी यूनिफॉर्म सर्विसेज, उनकी एनक्लोजर आइज, फिर उन्होंने कहा नेम एनी डिस्ट्रिक्ट इन विच यू आर पोस्टेड इन, तो मैं सोचता रहा पूरे इंडिया का मैप गायब हो गया मेरे दिमाग से, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था ना कि, तो फिर मुझे अचानक से याद आया कालाहांडी इन उड़ीसा, तो उन्होंने पूछा ये इंटरेस्टिंग ये यहाँ पर क्यों, मैंने कि सर वहाँ पर बहुत डेवलप कुछ नहीं है, इंडिया का सबसे पिछड़ा जिला है और वहाँ पर अगर मैं पोस्टेड रहूँगा तो लोगों के लिए कुछ करूँगा, तो पुलिस में करने के लिए क्या है, लोगों रुपए है नहीं, लोगों के पास चोरी होगी नहीं, लूट होगी नहीं, करोगे क्या, क्राइम होगा नहीं, मतलब इतना गरीब जिला है कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर तुम मतलब, फिर मैंने उनसे पूछा कि सर मैं एक बार फिर सोच सकता हूँ क्या अपना, तो फिर मैंने बताया था गढ़चिरौली बैकवर्ड जिला है और नक्सल अफेक्टेड जिला भी है, तो मैंने कहा कि सर मैं वहाँ अपना डेवलपमेंट उसके साथ और लोगों के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग करके वहाँ का सिचुएशन इम्प्रूव करूँगा। यहाँ से शुरुआत हुई थी विच वॉज एवरेज, बेटर देन एवरेज, स्लाइटली बेटर देन एवरेज। उस समय फिर मेरे डैफ पे आ गए कि आप स्वामी विवेकानंद या स्वामी, अपने यहाँ कॉलेज में एक स्वामी समिति है कोई विवेकानंद समिति, मैं उसका कोऑर्डिनेटर रहा था, मेरा दोस्त था उसका जिक्र नहीं आया तरुण अग्रवाल, तो हम दोनों बड़े ही सोशल ओरिएंटेड थे, तो हमने प्रयास एक वहाँ जो कोचिंग चलती है बच्चों को पढ़ाने की, तो हमने अपना प्रयास किया था, जब वहाँ जाओगे तो MT से अंदर जाके वो पढ़ता है कम्युनिटी सेंटर, तो मैंने और अभिनव गोयल उसको गोल जी कहते थे और तरुण,
हम तीन लोगों ने वहाँ के गांव में ननकारी गांव उसके जा के बच्चों को बोला था कि अगर कैरियर काउंसलिंग या डाउट क्लियर है तो हम सेशन करेंगे। तो हम हर बुधवार और शुक्रवार को सेशन वहाँ पर लेते थे। तो तरुण जो था, ये बात कहाँ से आई थी? ये उनकी गढ़चिरौली से। अब तो मेरा सोशल ओरिएंटेशन था, तो शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये सोशल ओरिएंटेड बंदा है। बट मैंने स्वामी विवेकानंद समिति के, तो मैंने अपने जब दूसरे इंटरव्यू की उसमें तैयारी में रामकृष्ण मिशन जाता था, घंटों घंटों बैठ के वहाँ हम लोग, मतलब मैं पढ़ता था, ध्यान करता था, वो सारी चीज़ें हेल्प की। फिर मेरी पोइट्री थी, तो पोइट्री रैपिड फायर हो गया। इसका नाम सुना है मैंने कि हाँ, इसका नाम सुना है, दो कविता, दो लाइन इसकी, दो लाइन इसकी, धड़ाधड़ ऐसे क्वेश्चन चल रही। गोपालदास नीरज का नाम आया था, उसका जानिसार अख्तर साहब का और कैफ़ी आज़मी साहब का भी नाम आया था। उनकी एक बहुत अच्छी नज़्म है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कदर तूने अब तक जानी ही नहीं, तुझ में शोले हैं रवानी ही नहीं, इस वक्त इस तारीख का उनवान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। शायद कैफ़ी आज़मी की या जानिसार अख्तर साहब, इन किसकी है, तो ये मैंने सुनाई थी। तो ये सब, तो दूसरा इंटरव्यू मेरा जो इंग्लिश वाला था वो थैंकफुली अच्छा रहा था। मैंने पोइम सुना दी उसमें, अपने एक्स्ट्रा करिक्स के बारे में बता दिया, थोड़ा सोशोलॉजी पूछा था, तो वो एकदम फ्लॉलेस डिस्कशन टाइप से चला गया और मैंने सारी चीज़ अच्छे से, तो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंट था मेरा, अच्छा हुआ और फिर मार्क्स भी अच्छे आए। अच्छा, जो आपने मॉक्स वगैरह दिए होंगे उस टाइम पर काफ़ी? इंटरव्यू मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की तैयारी होती है, क्योंकि पूरी जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में इंटरव्यू ही एक ऐसा वो है जिसमें आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है। प्री में सिलेबस है, मेंस में सिलेबस है, लेकिन इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। तो जब टेम्पलेट नहीं है तो आप खुद को इवॉल्व कैसे करेंगे? तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस समय मैं काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करता था। मैं सोचता था अगर मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा तो मेरे अंदर क्या गुण होने चाहिए, बतौर सिविलियन मैंने क्या गुणों की कमी देखी है, मेरी शिकायत क्या है सरकार से, अधिकारियों से, ताकि मेरे अंदर वो गुण या मेरे अंदर वो कमियाँ ना हो। लोगों से पूछता भी था घर पर पिताजी से कि आपको क्या लगता है सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे याद अच्छे से उन्होंने बताया था कि सिविल सर्वेंट को गंभीर होना चाहिए। उन्होंने गंभीर क्या होता है, उन्होंने जो कभी भी उग्र ना हो, मतलब जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो, तो दो गुण उन्होंने मुझे बताए। मुझे अभी भी मेरे पास वो डायरी में नोटेड है कि, तो ये जो सिविल सर्विस की इंटरव्यू की तैयारी थी वो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल तैयारी थी। 3 महीने में मैं ऐसे पार्क में जाता था, आई बिकेम मोर जेनरस, आई बिकेम मोर काइंड, आई स्टार्ट रीडिंग मोर, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करने लगा था, उससे मैं सवाल पूछता था मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, किसका मैंने नुकसान तो किया है कि नहीं, किसके प्रति मेरे अंदर क्या भावना है। तो ओवरऑल वो खुद को चेंज करने की प्रक्रिया थी, ताकि इंटरव्यू में वो आपके अंदर गुण आ जाए और एज ए पर्सन भी आपके अंदर वो गुण रहे। तो इस तरह से इंटरव्यू की तैयारी मैं करता था। तो कई सारे लिस्ट जो आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, और मैं खुद अपने से पूछता था कि अगर मैं गंभीर हूँ, मेरे तो नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैंने आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि मुझे गुस्सा ना आए या मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, धीरे 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 करके स्टार्ट चेंजिंग। तो एज ए पर्सन भी मैं चेंज हुआ अपने इंटरव्यू की प्रोसेस से। तो मॉक्स भी दिए थे? मॉक दिए थे मैंने, कई सारी कोचिंग में दिए थे, जो उस समय की रिपोर्टेड कोचिंग उनमें दिए थे मैंने। अच्छा, उसमें एंड में जैसे बताते ना कि आउटफिट ऐसे रखो, वो करो, या फिर बैठने का तरीका, या फिर अंदर जाते हैलो सर हेलो सर ये बताते थे ना कि आपने ये बोला ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो ये वाइफ उस टाइम पे तो आउटफिट डिसाइड करना है एंड ऑल उसमें मैं बता रहा था ना, मैं जो बटन खोलना है इंटरव्यू रूम में अंदर करते हुए, कोट का बटन खोलने की 8-10 बार प्रैक्टिस की गई थी। कभी डर लगा कि मतलब नहीं खुला तो नहीं खुला तो बैठ जाएंगे आराम से, है ना? बट ठीक है, वो भी सीखा था काफ़ी, और उसमें बताते थे, फीडबैक देते थे। अच्छा, वो पैनल वाले लोग कैसे बैठते हैं, मतलब गंभीर होते हैं या फिर ऐसे देखते हैं या फिर हंसते हैं मुस्कुराते हैं? डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको एकदम ग्रिल कर दें, कुछ लोग हैं वो नॉर्मल भी होंगे, और कुछ लोग आपके उसको कंसिडर भी कर लेते हैं कि ठीक है इसको नहीं पता कोई बात नहीं। तो इट डिपेंड्स कि बोर्ड कैसा है, अल्टीमेटली ह्यूमन नेचर है ना। तो क्या पता आपसे पुराना वाला बहुत अच्छा करके गया हो तो आपका अच्छा भी उनको एवरेज ही लगे, आपका पुराना वाला उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया हो तो आपका एवरेज भी उन्हें अच्छा लगे। तो ये क्या पता वाली सिचुएशन है ना, ये ऐसा मैच है जिसका फील्ड सेट नहीं है। आप बीच में खड़े हो, बॉल आ रही है हर तरफ से, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से बॉल आ रही है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है। इसकी कल्पना ऐसे करो, जिसका फील्ड सेट नहीं है तो आप उसमें स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकते। आप अकेले हो, हर तरफ से बॉल आ रही है, तो क्या स्ट्रेटजी बनाओगे? माइंडसेट क्या होना चाहिए फिर जब अंदर जाते हैं रूम के अंदर? माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो भी मेरे अंदर है मैं उसको बेस्ट तरीके से सामने ले जा पाऊँ, जो भी मेरे अंदर है। इसलिए मैं कहता हूँ इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती, तो आपकी लाइफ लॉन्ग अपब्रिंगिंग रही, आपका सोचने का तरीका है, आप कैसे सोचते हैं दुनिया को, आप कैसे देखते हैं, आपके अंदर जो
कई बार चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में, वो भी इंटरव्यू में आपके थॉट्स को प्रभावित करती हैं, तो आपका जवाब भी फिर वैसे आने लगता है। तो जैसे कहते हैं ना कि आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं, अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। तो व्यवहार आप कितना ही बदल लो, लेकिन असली रंग तो आपका जो नेचर है, आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है। वो तो स्वभाव अगर आपको चेंज करोगे, उसको थोड़ा बेहतर करोगे, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इंटरेस्ट उससे आएगी। तो जाओ बढ़िया आराम से मस्त बातें करनी है। अगर वो ग्रिल करें तो ये समझ जाना है कि उनके कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। ऐसा थोड़ी तुम कर्जा लेके उनको रुपया नहीं दे रहे हो, है ना, कि कुछ कर दिए हो, भैंस खोल लिए उनकी, ऐसा तो है नहीं। वो भी आपको ग्रिल करके आपको प्रेशर सिचुएशन में डाल रहे हैं, तो जैसा वो कर रहे हैं वैसे आपको भी करना है। मतलब इट्स अ लाइक ऑफ एक्टिंग, है ना, एक स्टेज है, उसमें आप कर रहे हैं। तो आपको अपनी सच्चाई बयान करनी है, और उधर जो सवाल आ रहे हैं तो सिचुएशन हिसाब से वैसे ही रेस्पॉन्ड करना है। किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, बोल देंगे यार आपको ये भी नहीं आता, कैसे डिप्रेस ना हो जाओ, और यार ये कैसे बोल दिया, अब तो मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया। नहीं, मतलब हर बॉल नहीं है, एक बॉल पे आप मिस हो गए तो कोई बात नहीं, अगली बॉल में बढ़िया सिक्सर मारो। तो वैसा होना चाहिए, एकदम मस्त जाओ, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, जो दिमाग में आए बोलना है, बस अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करना है। ओके, तो बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके अजय, सो ऑन द एंडिंग नोट मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा एडवाइसेस दें बच्चों के लिए, ज्ञान वाली बातें हैं दो चार। ओ, ये बड़ा टफ पार्ट है यार, ज्ञान तो दुनिया में इतना भरा पड़ा है ना, ज्ञान की तो कोई कमी है नहीं, हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी है। मैं ज्ञान को जैसा ट्रांसफॉर्मेशनल वैसा कुछ मेरे पास एक्चुअली बताने के लिए है नहीं, बस मेरा बस ये जो मुझे अपनी लाइफ का मेरा जो खुद का वो है कि यार चीज़ें कंसिस्टेंसी से ही मिलती हैं। जैसे गांधी जी कहते थे कि जब मैंने कोई काम शुरू किया था तो मेरे अंदर उस कार्य करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन ये विश्वास था कि मैं इस काम को करने की योग्यता अर्जित कर लूँगा। तो जो आपको अपने ऊपर विश्वास है, और बीइंग नाइस और बीइंग जेनरस होना ओवरऑल आपकी बेहतरी के लिए अच्छा है, है ना, मन में कपट ना हो। अब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जेनरस हो, दूसरे के प्रति आपको ये होना चाहिए कि दूसरा भी किसी समस्या में हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आपकी रहेगी, छल कपट कोई नहीं रहेगा, आप दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हो, तो ओवरऑल आपको अच्छा रखेंगी। और अल्टीमेटली मतलब सफल व्यक्ति से ज़्यादा खुशी, मतलब सुखी या खुशी व्यक्ति समझ लो, इट्स बेटर टू बी हैप्पी पर्सन रैदर देन ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर दोनों हो तो अच्छी बात है, लेकिन हैप्पी होना ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पी तभी होगी जब आप अपने अंदर क्राइसिस नहीं होगी, आप अच्छा काम दूसरों के साथ बर्ताव अच्छा कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई टारगेट हो, जैसे तुम्हारा टारगेट था कि वहाँ से आना शूट करना, कोई ना सुबह जल्दी उठना एक टारगेट हो सकता है, बहुत बड़े टारगेट ना हो, सुबह जल्दी उठना है, या फिर जंक नहीं खाना है, एक वीक तक जंक नहीं खाना है। तो कुछ भी ऐसे टारगेट हो जो आपको थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों में डालें, वो आपको थोड़ा एक मोमेंटम देते रहेंगे, आपके जहाज में वो एंकर का काम करेंगे। बाकी सब लोग अच्छा कर रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सेक्टर्स हैं, सब लोग अच्छा कर ही रहे हैं जहाँ जहाँ जो भी जहाँ है। दूसरी चीज़ है कि ये मैं खुद से भी कहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे वो निदा फातिमी साहब का एक शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जो आपको मिल गया वो मिट्टी हो जाता है, नहीं मिला वो सोना बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं मिले के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब ये मैं खुद के लिए भी कहता हूँ। और बाकी सब ज्ञान, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें अच्छा करें, बेहतर करें, स्वस्थ रहें, अपने घर का माहौल अच्छा रखें, पेड़ पौधे बढ़िया लगा के रखें, और खुश रहें। स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन बीइंग सक्सेसफुल एंड अनहैप्पी पर्सन। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने करीबी लोगों का ध्यान रखें, बस यही मैं कहना चाहूँगा सबसे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अजय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर लर्निंग्स एंड ज्ञान वाली बातें। थैंक यू, इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड।